शुरू कर सकते हैं सत्र को। आदित्य जी शुरू कर सकते हैं। चलिए, हालांकि भोजन करने के बाद ये काम थोड़ा कठिन है जो मैं कहने जा रहा हूँ, लेकिन सब आसानी काम करेंगे तो कठिन काम कब करेंगे नहीं। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग थोड़ा फोकस होके बैठते हैं और अपने को जितना सीधा बिठा सकते हैं उतना सीधा बिठा लेते हैं अपने शरीर को, और पूरा ध्यान अपने ऊपर ले आते हैं। तो मुझे आसपास गतिविधियों पर ध्यान है इसलिए बहुत सारी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। मैंने अपने शरीर पर अपने ध्यान को फोकस किया तो शरीर की बहुत सारी संवेदनाओं को मैं पढ़ पा रहा हूँ। आती जाती हुई सांस का भी मुझे पता चल पा रहा है। मैं शरीर से बियॉन्ड हूँ, सेल्फ हूँ। थोड़ी देर ध्यान देता हूँ तो सेल्फ में चल रही कल्पनाशीलता को सीधे सीधे देख पाता हूँ। इसी कल्पनाशीलता का प्रयोग करके शरीर के विभिन्न इंद्रियों द्वारा सूचना को ग्रहण करता हूँ और समझने के इस पूरे काम को अपनी इस कल्पनाशीलता में करता हूँ। समझने के लिए पहली वास्तविकता मैं खुद हूँ, मैं स्वयं हूँ, मेरा सेल्फ है। दूसरा ये जड़ संसार है। तीसरा ये स्पेस है। तो स्पेस, जड़ और चैतन्य तीनों को समझने का काम करता हूँ। उस क्रम में चारों अवस्थाओं को समझने का काम करता हूँ। उस पर पिछला बहुत सारा समय हम लोगों ने लगाया है। उसको जीने का अभ्यास भी करता हूँ, व्यवहार में भी, कार्य में भी और भागीदारी के रूप में भी। व्यवहार, कार्य और ये भागीदारी करने के लिए मेरी कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है उसको ठीक करने के लिए भी, और ये सबको ठीक कर सकूँ उसके लिए सारी वास्तविकताओं को ध्यान देकर समझने के लिए भी। तो समझने की एक यात्रा है, जो समझ लिया उसको जीने की एक यात्रा है। समझ के जीते हुए बाकी लोग भी इसको समझकर अपने जीने में ला सकें, वो भी सहज हो सकें, उस क्रम में भागीदारी की एक यात्रा है। तो टोटल तीन तरह की यात्रा कर रहे हैं। एक अपने भीतर समझने के लिए गति कर रहे हैं, दूसरा बाहर जीने के क्रम में कर रहे हैं, जो जीवन में भाव स्तर पे भी कर रहे हैं, व्यवहार, कार्य और भागीदारी के स्तर पर भी कर ही रहे हैं। एक बार जब हम इसके आराम को महसूस कर रहे हैं, इसकी उपलब्धियों को अपने जीवन में देख पा रहे हैं, एक समय हम किन कुछ कठिनाइयों को इसके समझ से पार कर पाए, उस आराम को देख पा रहे हैं, तो स्वतः अपने आसपास के बेचैन लोगों पर भी ध्यान रहे। वो परिवार के भी हो सकते हैं, परिवार के बाहर भी हो सकते हैं। हम उन सब के जीवन को भी कुछ आराम देने के लिए प्रयास शुरू करते हैं। किन कुछ लोगों ने मिलकर प्रयास किया, उनके प्रयास से ये आराम हम तक पहुँचा है। तो अब हम उस आराम को और लोगों तक कैसे पहुंचा सके, उसके लिए सोचना शुरू करते हैं। एक शिक्षक के रूप में, एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में, तो ये तीसरी दिशा है। तो इन तीनों ही दिशाओं में आप आगे बढ़ने के लिए क्या सोच रहे हैं, अगले 3 मिनट, 4 मिनट इन तीनों ही दिशाओं पर हम अपनी कल्पनाशीलता को चलाएंगे। तो अगले 2-3 मिनट मैं कुछ नहीं बोलूँगा, हम सब इन तीनों मुद्दों पर अपनी कल्पनाशीलता को थोड़ी देर लगाएंगे।
रोक सकते हैं, हम लोग अपने आप को रिलैक्स हो सकते हैं। तो जो अपने पास समय है इन्हीं तीन मुद्दों पर हम लोग लगाने वाले हैं। एक तो जो हम लोग ये समझने का काम शुरू किए हैं उसको चरणबद्ध ढंग से कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरा ये कि इसको जो अभ्यास करना हमने शुरू किया है अपने में जीने के क्रम में, उसमें क्या किया जा सकता है। और ये दोनों को हम और ठीक से करते हुए बाहर भागीदारी को कैसे कर सकते हैं औरों के लिए। तो शुरू करने से पहले यही पूछ लेता हूँ, इन तीनों मुद्दों पर चर्चा करना उपयोगी है या इनमें से किसी को कम कर लिया जाए? अपने वाले पार्ट को बढ़ा लेते हैं, टीचिंग वाला काम तुम करती हो उसको थोड़ा करना, तीनों ये थोड़ा कम कर सकते हैं जी। मतलब मुझे ऐसा अपने पे ज़्यादा करना ठीक। और कोई सुझाव किसी का है? आपका कहना है कि करना तो तीनों महत्वपूर्ण है लेकिन इसमें जो अपने से जुड़ा हुआ भाग है उस पर थोड़ा ज़्यादा कर लें, बाकी तो हम कर ही रहे हैं। किसी और का कोई, आपका कहना है तीनों पे ही कर लिया जाए ठीक से, कि जो कर रहे हैं उसमें भी और बेहतर क्या कर सकते हैं, है ना? हाँ, क्या कर सकते हैं वो भी एक फोकस का एरिया। तो कुछ लोगों का ये भी राय आ रहा है कि भाई तीनों को ही एक्सटेंड किया जाए, ठीक से किया जाए तीनों को। और किन्हीं का कोई राय है तो ले सकते हैं, दो तरह की तो इनपुट आ गए। तीनों पे फोकस किया जाए ठीक है, तो हम लोग तीनों पे ही फोकस करते हैं। पहले किस पर किया जाए? स्वयं वाले को। तो पिछले 7 दिन से तो स्वयं पर ही किए हुए थे वही सब बैठ गया है कि फिर वही सब वो इस दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है कि अगर बाहर भी कुछ करने जा रहे हैं तो उसमें हम तो इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए शुरू तो कहाँ से? स्वयं से। तो मैं जैसा देखता हूँ कि कैसे हम लोग, या मैं जैसा अपने लिए सोचता हूँ उसको ध्यान में रखकर इसको रखूँगा। आप सब भी अपने लिए कुछ ना कुछ तय किए ही होंगे अभी तक, आपने ऑनलाइन वर्कशॉप किया होगा, 3 दिन का किया होगा फेस टू फेस, फिर 5 दिन का किया होगा, कई लोगों ने हो सकता है 8 दिन का भी किया हो फेस टू फेस, या कई लोगों ने 2 फेस टू फेस किया हो अलग, है ना? तो इस तरह से जुड़ करके हम लोग इस यात्रा में यहाँ तक पहुँचे हैं। तो कैसे हम लोग इसमें और आगे बढ़ सकते हैं? एक तो ये, तो उसको मैं थोड़ा जैसा मैं देखता हूँ कर देता हूँ, लेकिन आपके लिए बिल्कुल ऐसा ही हो जरूरी नहीं है, आप अपने ढंग से भी उस पर सोच ही सकते हैं। तो अभी समझने के लिए जो विषय वस्तु हम लोगों को एक प्रस्ताव के रूप में मिलता है, समझने का काम तो हम अपने भीतर जांच परख के ही करते हैं, तो प्रस्ताव लेने का और एक साथ कलेक्टिवली बैठकर चीज़ों का जांच परख करने का जो सिस्टम हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, आप में से अधिकतर लोग उससे परिचित ही हैं कि हम लोग कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करके 5 डे प्रोग्राम से लोगों को इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आप में से ज़्यादातर लोग इसी से इंट्रोड्यूस हुए होंगे। कई बार इसके पैरेलल 3 डे फेस टू फेस भी कर रहे हैं। अब कई जगह इसको पैरेलल देख रहे होंगे, अब मुझे नहीं पता कि हम लोग यहाँ पर इसको पैरेलल देख रहे हैं या इसको ऊपर नीचे देख रहे हैं, जो भी हो तो यहाँ से भी इंसर्ट हो रहे हैं और यहाँ से। फिर हम लोग इस पूरे को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? UHV 1, इसको इंट्रोडक्टरी कह रहे हैं। अच्छा, ये UHV 0 कह देता हूँ फिर, अच्छा इंट्रो लिख दें उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? 5 डे फेस टू फेस, किसको? UHV 1। फिर किसको कह रहे हैं आप? तो क्या ये इंडक्शन प्रोग्राम वाला नहीं है? उसका कंटेंट है, कंटेंट है। उसके अप्रोच के लिए जब बात करते हैं तो 1 है वो, कि कैसे रखेंगे उसको। अच्छा, तो उसका वर्कशॉप अलग से कर रहे हैं आप? वर्कशॉप हुई है, 2 वर्कशॉप हुई है। अच्छा, तो ये कितने दिन का कर रहे हैं? 5 डे क्या ऑनलाइन फेस टू फेस? ऑनलाइन, तो दैट इज, चलिए जो भी नॉमनक्लेचर आप लोगों को बेहतर पता होगा आप लोग उसको कर रहे हैं। फिर इसके बाद आप लोग कर रहे हैं कौन सा? UHV 2। तो अभी हम लोग UHV 2 में है, 3 में है? 3 में है। तो UHV 2 कर रहे हैं 5 डे 8 डे ऑनलाइन या 5 डे फेस टू फेस?
फाइव डे फेस टू फेस या सिक्स डे ऑनलाइन। ठीक, या फिर एट डे। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग कर रहे हैं UHV 3। मेरे को तो व्यक्तिगत तौर पे जो लगता है कि यहाँ तक यात्रा करते हुए हमारी जो मेजर एक इनपुट, मेजर जो हम डिसीजन ले पाते हैं यहाँ तक की यात्रा में, कि ये पूरी बात मेरे लिए उपयोगी लग रही है कि नहीं, मेरे परिवार के लिए उपयोगी लग रही है या नहीं। तो ऐसा मानता हूँ हम साथ साथी लोग जितने बैठे हैं उनका ये निर्णय बन ही गया होगा कि ये मेरे लिए भी उपयोगी है और मेरे परिवार के लिए भी। तो अब यहाँ से देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है, मतलब मुझे अभी भी व्यक्तिगत तौर पर, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसके और पॉसिबल वे भी हो सकते हैं, कि हमको यहाँ पर 8 दिन का एक रिफ्रेशर UHV 2, रिफ्रेशर UHV 2 उसे कह रहे हैं जिसमें वो लोग बैठे हैं जिनका ये निर्णय बन गया है कि ये बात तो मेरे परिवार के लिए और मेरे जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अब वो इस बात को इसलिए नहीं सुन रहे हैं कि उनको क्लास में पढ़ाना है, अब इस बात को वो इसलिए सुन रहे हैं कि इसको उनको जीना है। तो उस समय ये जो रिफ्रेशर है, आप पहले दिन के पहले सेशन से है ना, आपने सारे प्रश्न पढ़ाने के लिए पूछ रहे होते हैं, जीने के लिए पूछ रहे होते हैं, जीने के। और चूंकि सभी लोग उसी लेवल के होते हैं तो डे वन से ही जो गहराई होती है उस वर्कशॉप की उस धरातल पे चली जाती है। लेकिन अगर ये काम इतने दूर में हो पा रहा है तब तो ठीक है, नहीं हो पा रहा तो मुझे लगता है कि UHV 3 से पहले एक बार इस दृष्टि से पूरे कंटेंट को साथ में बैठकर चर्चा कर लेना UHV 3 के लिए एक तैयारी बनाता है, जिस तरह के गहरे इश्यूज पे चर्चा होनी है तो इसके लिए एक तैयारी बनाता है। तो अगर इतना काम हमारा इसमें हो जा रहा है तब तो ठीक है, नहीं हो पा रहा है तो कम से कम हम इसको करें। ये दो तरीके से हो सकता है। अभी कई बार हम इसी वर्कशॉप को रिपीट करते हैं, ये जो फेस टू फेस वर्कशॉप है इसी को कई बार हम रिपीट करते हैं। रिपीट करने में कंटेंट तो रिपीट हो जाता है लेकिन पार्टिसिपेंट्स तो वही वो लोग होते हैं जो लगभग इसमें निकल के पहली बार ही आ रहे होते हैं, इसलिए जो प्रश्न आपके पहली बार थे मोर देन 80% प्रश्न वैसे ही आ रहे हैं कि क्यों पढ़ना है, निरंतर सुखी क्यों जरूरी है ना, दूसरा नहीं समझ रहा है मैं क्या करूं, ये सारे वही प्रश्न आ रहे होते हैं। तो 5वें 6ठे दिन या 4थे दिन जाके वर्कशॉप एक धरातल पर पहुंचता है जहां आप खड़े हैं, तो एक लेवल का शिफ्ट तो होता है। लेकिन इस वर्कशॉप का मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है कि एक गहरा शिफ्ट करता है, क्योंकि इसमें सभी लोग अपने जीने की मानसिकता से समझने की तैयारी के साथ बैठे है ना, तो ये वाले वर्कशॉप का एक इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। कई लोग इसको वर्कशॉप में ऑब्जर्वर को फैसिलिटेटर बनते हुए भी रिपीट करते हैं कई जगहों पर ऑनलाइन ऑफलाइन में, उसमें भी सेम लिमिटेशन है कि वहाँ पर क्वेश्चंस जो उठने हैं वो दूसरी दृष्टि से उठने हैं, लेकिन यहाँ पर जो उठने हैं वो बिल्कुल अलग दृष्टि से उठने हैं। पहले तो हम लोग करते रहे लेकिन अभी तमाम अन्य सिस्टम्स आवश्यकताओं को देखते हुए उसको मॉडिफाई करता रहकर एक ये मुझे महत्वपूर्ण लगता है। ठीक है तो अच्छा है, हाँ है तो अच्छा है, हम अगर कर लिए हैं तो अच्छा, नहीं तो करने का सोचना चाहिए। फिर UHV 3 में हम लोग 8 डे मिल रहे हैं और फेस टू फेस मिल रहे हैं। कुल मिलाकर एक निष्कर्ष बना दे रहा हूं कि ऐसे लोग जिन लोगों ने निर्णय कर लिया है कि ये पूरी विषय वस्तु मेरे जीने के लिए उपयोगी है और मुझे अब इसको जीने की दृष्टिकोण से समझना है, टीचर रहूं तो भी करना है, कल के दिन टीचिंग छोड़ दिया तो भी करना है, ये निर्णय बन गया है, ऐसे लोग जब एक साथ बैठकर 5 दिन 8 दिन 3 दिन जो भी लगाए वो एक क्वालिटी शिफ्ट होता है। तब वो कितने दिन का आपने इसमें कर लिया है तो ठीक है, या कोई नया प्रारूप है, बट आशय ही है, ये आशय ठीक है नहीं ठीक है,
जैसे यही वर्कशॉप है, इसी वर्कशॉप में कोई व्यक्ति यहाँ का आके बैठ जाए, अब उसके ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे आपको लगेगा हमारा समय बेकार हो रहा है नहीं, तो वो तो प्रश्न वही पूछेगा कि भाई बिना सुविधा के कैसे चलेगा, है ना, मेरे लोग जो हैं आसपास वाले वो ठीक नहीं होंगे तब तक कैसे चलेगा। इसलिए इस तरह का एक एफर्ट मुझे जरूरी लगता है यहाँ की यात्रा तक आने से पहले। इसमें एक निष्कर्ष ये बन जाता है, जब रिफ्रेश करते हैं तो ये निष्कर्ष बन जाता है कि चीज़ों को बहुत बारीकी से समझना है, है ना। तो बहुत बारीकी से किसको किसको समझना है, समझना तो पूरे एग्जिस्टेंस को है, लेकिन उसमें ज़्यादा गहराई से किसको किसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, सबसे पहले सेल्फ। एक अच्छी तैयारी हो जाती है सेल्फ के ऊपर गहरा फोकस करने की। यहाँ पर ऑलरेडी कई और ढंग से हो रहा है, तो मे बी एक यात्रा यहाँ तक हो गई हो। फिर इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं आगे, यहाँ AICT में क्या नॉमनक्लेचर यूज़ कर रहे हैं, UHV 4 और 5 एक में मर्ज कर दिए हैं कि अलग से किए हैं, अलग किए हैं, तो UHV 4 और 5। तो अभी इतना ही यूज किए हैं, ऊपर भी कोई सेट किए हैं, प्लान है। तो एक तो ये है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब यात्रा करने के बाद जो लोग इतनी यात्रा पूरी कर चुके हैं उनको इकट्ठे कभी समय निकाल कर अगर सिस्टम अलाउ करे किसी तरह से तो 15 दिन का समय साथ बिताना चाहिए, एक साथ एक जगह पर रहते हुए साथ बिताना चाहिए, जिसमें बहुत सारी गहराई हो जाती है। जैसे आप देखेंगे तो आज 8वां दिन है, 7वां दिन है, कल 8वां होगा। 6 दिन की यात्रा करके आप जिस गहराई पे पहुंचे हैं पहले दिन नहीं थे। अब ये जो आगे के 3 दिन आपको अगर और एक्सटेंडेड मिलते तो जो पिछले 6 दिन में आपने यात्रा की है वो अगले 3 दिन में उससे अधिक यात्रा हो सकती थी। मेरी बात समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ? ये ठीक वही कठिनाई है जो यहाँ है। जब आप 5 दिन की यात्रा करते हैं तो 4 दिन तो उठा पटक में निकल जाते हैं, 4वें दिन तक जब तक मानस बनता है कि अब रिसीव करना है, 5वें दिन समय जो है वो कहता मुझे, लेकिन वो भी आपको अगर 8 दिन शुरू में दे दिया जाए तो आपका कॉलेज ही छुट्टी नहीं देगा 5 दिन जो शुरू कर दिया गया उसके अपने लिमिटेशन है, लेकिन ये मानसिकता हमारी बन सके कि इसमें कुछ कॉलेज से मिल जाए, कुछ व्यक्तिगत समय लगा सके, ये सब लगा के कभी हम 15 दिन ऐसे लोग एक साथ तो जरूर बिताए। तो यहाँ जितना यात्रा किए हैं ये सब दृष्टियों से कॉन्सोलिडेट होता है। मेरे को एक ये संभावना व्यक्तिगत रूप से लगती है जिसको कभी हम लोग को सोचना चाहिए, हालांकि अभी तो सिस्टम में नहीं है, सिस्टम के बाहर जाके हम लोग सोचना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये देखें तो कंटेंट को रिसीव करने के दृष्टिकोण से एक यात्रा है, ये ठीक हो गया। अब एक यात्रा हम देखें तो कैसे कर रहे हैं, हम न्यू पार्टिसिपेंट के रूप में एंटर कर रहे हैं, फिर इस कंटेंट को एक लेवल पे रिपीट कर रहे हैं और ओल्ड पार्टिसिपेंट के रूप में इसको या तो यहाँ रिपीट कर रहे हैं या यहाँ रिपीट कर रहे हैं, यहाँ तक की यात्रा को पूरा कर रहे हैं। एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट करने के बाद, है ना, हमको ये जरूरी लगने लगता है कि ये पूरी बात सुनने के साथ साथ अभ्यास करने का भी मुद्दा है। अभ्यास में तो अभ्यास का अलग नियम है, फिजिक्स में क्या नियम है कि अगर आपको जी की वैल्यू निकालने का नियम समझ में आ गया है तो आप इंस्ट्रूमेंट लेके आराम से अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जितनी बात हो रही है चर्चा, इसमें जो सेल्फ से रिलेटेड जितना अभ्यास है वो कहाँ होगा, अपने में, और संबंध से रिलेटेड जो अभ्यास करना है वो कहाँ होगा, दूसरे मानव के साथ, उसमें भी मेजर रोल तो मेरा ही है। अब आपने नियम समझा है और उसने नियम नहीं समझा है और आपको एक्सपेरिमेंट करना है वो आप कर ही रहे हैं पिछले कई साल से उसके फल परिणाम में पता ही चल रहे होंगे तो ये कठिनाई एक आती है कि हम तो नियम समझे हुए हैं, सामने वाला नियम समझा हुआ नहीं, तो कठिनाई आती है। लेकिन फिर भी हम प्रयोग तो कर ही रहे हैं, कुछ परिणाम तो आ ही रहे हैं, कम से कम हमारी अपनी हालत में तो कुछ परिमार्जन हो ही रहा है। लेकिन अगर सामने वाला भी नियम को समझा हुआ है, अब उन नियमों को एक साथ बैठकर जीकर देखने का काम करना है।
अब ये प्रयोग ज्यादा ऑथेंटिक हो पाता है। उसलिए हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर कुछ उस नियम में को समझकर जो निष्ठा से जीने में लगे हुए हैं, हम लोग साथ में कुछ दिन बिताएं, तो बहुत सारे प्रयोग जो हम परिवार में करके असफल होके अपने को इस निष्कर्ष को बनाने लग जा रहे हैं कि पता नहीं नियम सही है या नहीं, दुविधा आने लग जा रही है। अगर कुछ ऐसे लोगों के साथ इन नियमों को जीने का 5-7 दिन 8 दिन अवसर मिले कि हम वहां पर इसका प्रयोग करके देखें, तो जहां पर हमारा विश्वास हिल रहा होता है कि हो पाएगा कि नहीं, वहां पर वो स्टेबलाइज होने लगता है। उस क्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ऑब्जर्वर के रूप में हम इस तरह के फेस टू फेस हो रहे वर्कशॉप्स में जाते हैं और कम से कम 3 से 5 लोग जो उस वर्कशॉप को चलाने की जिम्मेदारी लिए रहते हैं, वो 8 दिन एकदम परिवार की तरह जीते हैं, है ना। जिसमें अगर पार्टिसिपेंट्स को वर्कशॉप कराना है सवेरे 9 बजे से शाम के 6 बजे तक, तो ये लोग जो एक्टिव रहते हैं कहिए सवेरे 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक एक्टिव रहें, साथ खाना खाते हैं, साथ उठते बैठते हैं, बहुत सारा काम एक ही साथ करते हैं और एक दूसरे को ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं। तो ये जो ऑब्जर्वर के रूप में आप जा रहे हैं वहाँ पर इन सब लोगों के साथ बहुत सारा आपको जो परिवार में प्रयोग करने में आप फेल हो रहे हैं उन चीज़ों को यहाँ पर प्रयोग करके देख पाने का एक अच्छा अवसर है। और साथ में जीते हुए समझे, प्रश्न पूछे, चर्चा किए, फिर जीने में प्रयोग किए, तो एक तो मुख्य ये अवसर है। और एक दूसरा अवसर भी है कि बहुत सारे नए पार्टिसिपेंट आपके दृश्य सामने आए हैं, तो नए पार्टिसिपेंट्स के साथ जब आप जीने जाते हैं तो उस जीने के क्रम में शुरुआती दौर पे खास तौर पे पार्टिसिपेंट्स के बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। आप लोग ऑब्जर्वर की भूमिका निभाते समय उसको देखे होंगे, है ना। जैसे ही आपने कहा कि भाई आप सेशन में 4 बार बाहर निकल चुके हैं, मैं आपका नाम नोट कर रहा हूँ, तो उस समय जो वो रिएक्शन देता है आप सबने झेला ही होगा। अब वो जो रिएक्शन आ रहे हैं अलग अलग, एक ही ढंग के नहीं आते, अलग अलग जगह अलग अलग ढंग के रिएक्शन आते हैं, लेकिन अब आपने निर्णय बना रखा है कि कम से कम इन 5 दिनों में तो मुझे अपने तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी। इसलिए अंदर तो बहुत तूफान उठता है कि इसको मालूम नहीं कि इसका सर्टिफिकेट मेरे हाथ में कितनी बड़ी भूमिका में हूं अभी बताता हूं इसका। भीतर पूरा संस्कार चल जाता है, लेकिन साथ में ये भी पता है कि को फैसिलिटेटर रिसोर्स पर्सन हमको ऑब्जर्व कर रहे हैं, खाली हम ही ऑब्जर्वर नहीं तो कई बार वो प्रतिक्रिया बाहर निकलते निकलते दब जाती है, मतलब पार्टिसिपेंट की तरफ देखे तो उबाल मारा, तब तक सामने देख लिया है वो रन टाइम ना साइन में बन रही होती है। लेकिन उस प्रक्रिया में एक इम्पॉर्टेंट बात यह होती है कि उतने भूचाल में भी सामान्यतः हम अपने होश को खो देते हैं। सामान्य परिस्थितियों में अगर हम घर पे हैं कहीं और हैं, या तो कर देंगे या ध्यान को कहीं उलझा लेंगे, एक तरह से उस प्रयोग से अपने को हटा, लेकिन वहां पर आपके पास हटाने का बहुत अवसर नहीं। 5 मिनट दूसरा आके वही करने वाला, 10 मिनट बाद दूसरा पार्टिसिपेंट आके वही करने वाला, और जो वहां खड़े हैं वो पूरे समय खड़े हैं और शाम को बैठ के सब समीक्षा भी हो रही है, तो आपको अपना होश को इधर उधर भगाने का भी बहुत अवसर नहीं। आप फिर ठीक से अपने भीतर इस तरह के तूफानों को भी ऑब्जर्व कर पाते हैं, सेटल कर पाते हैं तो कर पाते हैं, नहीं तो फिर शाम को या समय मिलते पर फिर चर्चा करते हैं, उस पर कुछ आपको इनपुट मिलता है, फिर उस इनपुट के साथ भीतर प्रोसेस करते हैं, तो अगले दिन आपके अंदर का जो तूफान है रिलेटिवली कम उठता है। 5वें 6वें दिन तक आते आते इस तरह के तूफानों को डील कर पाने का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता जाता है। जैसे यहाँ आप लोग चप्पल लाइन से लगा रहे हैं, शुरू में जब हम लोग लेवल 1 वॉकर आते थे तो हम लोग लाइन से लगाते थे, तो जो पार्टिसिपेंट आते थे उनको लगता था कि ये लोग यहाँ के पेड है ना पेड वर्कर है यहाँ के ना सफाई वफाई वाले लोग हैं, तो ना वो स्टाइल से एक चप्पल यहाँ खोलेंगे एक वहां खोलेंगे, इसको रख दे
और बिल्कुल बोल के फिर अपना चल देगा, फिर आप उसको रखेंगे। चप्पल भी रख रहे हैं, चप्पल की व्यवस्था भी देख रहे हैं, लेकिन उस बिहेवियर से जो अंदर की व्यवस्था बिगड़ी कि इससे ज्यादा सैलरी पाने वाला मैं आदमी हूं मेरी डिग्री इससे ज्यादा बड़ी है, हो सकता है मेरा उम्र भी इससे ज्यादा बड़ा, फिर भी मेरे को ऐसा भूल गया। ये वर्कशॉप में नहीं आया होता तो बताता, ये जो भीतर चला उसी क्षण होश पड़ता है कि मैं दूसरे आदमी को अपने जैसा स्वीकार के सम्मान के भाव को अपने में सुनिश्चित किए हुए हूँ, या पढ़ा रहा हूँ कि दूसरा मेरे जैसा है, लेकिन दृष्टि तो अभी भी भेद की है, उम्र का भेद, पद का भेद। और वही कहिए, क्लासरूम में चर्चा चल रही हो, सम्मान पे चर्चा चल रही हो, भेद पे चर्चा चल रही हो, हम वहाँ बाहर बैठ के उसी भेद से बाहर का सब देख रहे हैं, वो तुरंत कनेक्ट होता है, तो अपने भीतर एक गहरा काम शुरू हो जाता है। मेरे को लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है ये, वॉलेंटियरिंग के स्टेज की सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है ना। बहुत सारे, जैसे अभी तो आप लोग अपने पानी की बोतल भर के लाते हैं, शुरुआती दौर में हम लोग यहाँ 25-30 पानी की बोतलें रखा करते थे, भर के ला के हर ब्रेक में यहाँ रख दिया थे। कई बार गर्मी में वर्कशॉप ज़्यादा होते थे तो बोतल जल्दी ख़त्म हो जाती थी, तो कोई एक वॉलेंटियर हम लोगों में से उठता था और सब बोतल कलेक्ट करता था, है ना। तो वहाँ भी अलग तरह के रिएक्शंस आते थे। आप उसके थोड़ा ऊपर उठते हैं, अटेंडेंस के लिए टोकते हैं, व्यवस्था के लिए टोकते हैं, तब वो आदमी आप पर डोमिनेंस दिखाता है। अब कितनी बड़ी जगह है वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग के लिए कि हमको पलट के प्रतिक्रिया नहीं करना है, लेकिन व्यवस्था को भी सुनिश्चित करना है। वो अपने भीतर की इस मान्यता को हिलाता है, हम मान के रखते हैं कि हम तो सामने वालों को व्यवस्थित चलने के लिए तभी कर सकते हैं जब उनके ऊपर डोमिनेट करें। ये जो मान्यता है हमारी कि बिना डांटे, बिना चिल्लाए, बिना उसको किस किए तो वो हो ही नहीं सकता, ये वो जगह है कि हो सकता है। तो वहां पर आप कोई प्रतिक्रिया नहीं करते और अपने भाव को स्थिर बनाए हुए, व्यवहार को स्थिर बनाए हुए, पूरे प्रोग्राम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए व्यवस्थित तरीके से जो सोचा जा सकता है सोच के सफलतापूर्वक चला ले जाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बनता है कि घर में भी इस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, हम घर में भी बिना फैले, बिना चिल्लाए, बिना चीखे, इससे बड़ी बड़ी, इससे जो अवस्थाएं हो रही हैं उनको आसानी से डील कर सकते हैं, एक और जगह बनाता है। तो ये मैं इसलिए इस वाले स्टेप सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि मैं अपने लिए तो बहुत सारा ट्रांजिशन इसी जगह पे देख पाए। अभी तो आप लोगों के लिए इसका अवसर बहुत कम है, क्योंकि ज़्यादातर वर्कशॉप इंस्टीट्यूशनल सेटअप में हो रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल सेटअप जहाँ कॉलेज है ना, आपको हर तरह का मेंस, मतलब एक तरह से ह्यूमन रिसोर्स भी प्रोवाइड कर देता है, कोई आके झाड़ू लगा जाएगा, कोई आके पोंछा लगा जाएगा, कोई दरी बिछा जाएगा, सब कर देगा, आपको करवाना है खड़े होके। मजा तब आता है जब ये सब खुद करना है, तब पता चलता है कि आपने वर्कशॉप कराने का जिम्मेदारी ले लिया और गर्ल्स हॉस्टल में पार्टिसिपेंट आने लगी और कोई उसके कमरे की सफाई करने वाला नहीं है, अब आके वो आप पर चिल्ला रही है। अब आपके पास दो विकल्प है, गर्ल्स हॉस्टल या बॉयज हॉस्टल, कि भाई अब रात के 10 बजे 9 बजे ढूंढ के लाइए, स्वीपर को कराइए, स्वीपर अपना खा पी के सो गया है, अब आप उठाइए पोछा या तो साफ करिए उस समय अपना अहंकार कैसे आड़े आता है पता चलता है। तो मैंने पहला वर्कशॉप जो अपने कॉलेज में कराया था, मतलब तब तक किसी IIT के अलावा और जगह वर्कशॉप नहीं होते थे, तो सबसे पहला जोश जोश में हमारे यहाँ तय हो गया, हमने ले भी लिया, बहुत टीम भी नहीं थी, वो फीमेल पार्टिसिपेंट जिनकी सूचना थी कि कल सुबह आने वाली हैं वो एक दिन पहले पहुँच गए। हमारे यहाँ हॉस्टल में जो है कोई बहुत साफ सफाई भी नहीं, और मैं बिल्कुल जूनियर फैकल्टी, मैं पहुँचूँ स्वीपरों के पास हो मुझे डांट दें तुमने जस्ट 4-5 साल हुए थे ज्वाइन किए हुए, अंत में मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा, खुद जो है वो लेकर के, तो जो केयर टेकर थी वो दो केयर टेकर आपस में कुछ खुसफुस करके हंस रही, तो मेरे को पूछने में जो दिक्कत हो रही थी वो ज्यादा दिक्कत नहीं थी, घर में भी कई बार लगा लेते थे, वो मेरे बारे कुछ आपस में कमेंट करके वो जो हंस रही थी वो एकदम चुप रहा तो
तो ठीक है, यहीं पर पूरे एक घंटे हम लोग बात कर सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस मेरी दृष्टि में ये जगह है कि घंटे भर तो हम यहीं चर्चा कर सकते हैं। आगे की यात्रा में जो सबसे अधिक ट्रांसफॉर्मेशन की भूमिका तैयार करता है वो यही जगह है। कई बार हम ऑब्जर्वर बन के जाते हैं तो इस मानसिकता से जाते हैं कि हमको कुछ लोगों को ये लोगों को काबू सेकेंडरी काम है, अपने को काबू प्राइमरी काम। इसके बाद हम लोग ऑब्जर्वर के साथ साथ, आप लोग नया टर्म क्या दे रहे हैं यहाँ पर, को फैसिलिटेटर है ना, फिर को फैसिलिटेटर के साथ साथ मेरे को तो फिर भी लगता है टर्म यहाँ होना चाहिए पोटेंशियल रिसोर्स पर्सन, फिर आरपी, को फैसिलिटेटर, को एक्सप्लोरर, यहाँ ठीक है ना, यहाँ कर पीआरपी। इसको कैसे देखता हूँ मैं, ये जो ऑब्जर्वर ये सब ऑब्जर्व करते हुए ये भी ऑब्जर्व करता रहता है कि जो सेशन लिया जा रहा है वो किस तरीके से लिया जा रहा है, क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया जा रहा है, एग्जाम्पल्स को कैसे रखा जा रहा है, वीडियो सेशन को कैसे कंक्लूड किया जा रहा है, किन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान दिलाया जा रहा है, वो इन सबको ऑब्जर्व करता है। और ऑब्जर्व करते करते एक पॉइंट पर उसको लगता है, ये एक बार में नहीं होता है, एक बार दो बार तीन बार करना पड़ता है, और जितनी बारीकी से करेंगे उतना आगे के लिए आपकी भूमि तैयार होगी। फिर एक पॉइंट पर जब ध्यान आ जाता है तो आप अपने तरफ से इच्छा तो बना लेते हैं कि ये काम अब हमको करने मिल जाए तो हम कर लेंगे। कई लोग तो यहाँ आते हैं यहाँ तक की इच्छा उसी दिन बना लेते हैं और इस मानसिकता से प्रस्तुत होते हैं कि हम 5 दिन के लिए आए हैं, हमको सेशन लेने एक भी नहीं मिला। हमारा तो सारा छुट्टी लेकर इतना मेहनत करके आना सब बेकार चला गया, क्या निकालें इस निष्कर्ष को। तो हम क्यों चाह रहे थे कि जब सेशन लेंगे तभी उपलब्धि है, उसके पीछे का क्या संस्कार है उसको ऑब्जर्व करेंगे तो कहीं ये तो संस्कार नहीं है कि सेशन लेने वाले को सम्मान बहुत मिलता है, और वो इतना तीव्र अपने भीतर उमड़ता है कि हम सेशन लेने के लिए झगड़ा करने पे भी उतारू हो जाते हैं। ये पूरे की बात कर रहा हूं, और झगड़ा बाहर। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है, ये सारी विद्या जो है ना, ये आप सुन रहे हैं है ना, हालांकि टीचर प्रोफेशन भी ऐसा ही है कि झगड़ा भी स्टाइल से होता है कि किसी खास रीजन के बारे बताते हैं, कोई खास रीजन देश का कि वहां झगड़ा हो रहा है कि झगड़ा नहीं हो रहा है, सुन के तय करना कठिन हो जाता है, बड़े सम्मान के साथ गाली देते हैं टीचिंग प्रोफेशन का उदाहरण रहता था, मतलब ये आईटी का ही दो प्रोफेसर, एक नीचे रह रहे हैं एक ऊपर रह रहे हैं, ऊपर वाले को मैं जानता था, घर आना जाना था उनके, तो पता लगा कि वो नीचे वाले ने कि हाँ अमरूद का पेड़ लगा है, तो पेड़ होके वो पूरा फैल गया और उसकी कुछ डालियां ऊपर वाले के जो बालकनी है उसमें आ रही, तो उसने अपनी बालकनी के तो तोड़ के खा ही लिए, लेकिन अमरूद मीठे थे, तो अपनी बालकनी से थोड़े दूर पे जो अमरूद लगा है और पक रहा है, देख के लालच तो उसकी भी हो ही जाती है। तो एक दिन वो डंडे से उसको तोड़ रहे थे, तब तक नीचे वाले प्रोफेसर ने उसको देख लिया और मुस्कुरा दिए, लेकिन बाहर मुस्कुरा दिए भीतर कितना मुस्कुराए, वो जाते ही ऑफिस में मेल लिख दूसरे प्रोफेसर को जो ठीक ऊपर रह रहा कि देखिए अमरूद मेरे उसमें है दायरे में, आप मेरे पेड़ का अमरूद तोड़ रहे हैं, तोड़े लेकिन मेरे से पूछ के तोड़े लिटरली मेल वो भी मेल पर रिप्लाई दे रहे हैं कि मैं अमरूद नहीं तोड़ रहा था, अमरूद पे चिड़िया बैठी थी, चिड़िया अभी देखेंगे तो देखने में तो बहुत है ना, लेकिन भाव लेवल पर कितना गहरा लड़ाई चल रहा है ना। तो यहाँ की जो टीम होती है ना, एक लंबे समय तक भाव लेवल की बड़ी गहरी लड़ाई चलती है। हम शब्दों से बहुत सॉफ्ट
बिहेवियर से बहुत सॉफ्ट बोलते हैं, लेकिन भीतर बड़ा तूफान मचा रहता है। हमारा आकलन यहाँ कम हो गया, मेरी तैयारी ज़्यादा थी, उसको सेशन मिल गया। ये वाला सेशन मेरा सबसे अच्छा तैयार था, जो कर रहा ज़्यादा अच्छा कर देता मैं। ये इसने किया, ये सवाल का उत्तर गलत दिया, अगले सेशन में मैं खड़ा होऊंगा सब सब बराबर कहते। मतलब इंटरेस्टिंग, बड़े लंबे समय बाद मेरा इस बात पर ध्यान गया कि एक साथी यहाँ खड़े होकर सेशन ले रहा है, उसने कुछ प्रश्न पूछे गए और उसने जो उत्तर दिया वो उत्तर या तो वहाँ बैठकर एज ए को फैसिलिटेटर या पोटेंशियल रिसोर्स पर्सन या ऑब्जर्वर, मुझे लगा कि उत्तर सही नहीं, पर हो सकता है उत्तर सही न भी, या मुझे लगा कि उत्तर अधूरा है। मेरे पास दो चॉइस थे, अगला सेशन मेरा था तो मेरे पास फिर भी दो चॉइस थे कि अगले सेशन में मैं खड़े होकर उन सारे प्रश्नों को पुनः अपने तरफ से उठाऊं और उनको फिर से उत्तर देकर सब उसको दूर करूं। एक और जगह भी थी कि मैं उस व्यक्ति का उसी व्यक्ति से बात करूं, उसने इस प्रश्न के उत्तर में ये कहा, मुझे लगता है इसमें ये बात और जुड़ जाती तो ये बात इनरिच हो सकती थी। कल आप जब दोबारा आइएगा तो अगर आप इसको कर सके तो लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कौन सा वाला विचार मेरा पहले चलता है? पहला वाला। और दूसरी तरफ से अगर हमको लगता है कि हमने बात कह तो दी, मतलब यहां खड़े होके हमने उत्तर दे दिया, लोगों ने आगे कुछ नहीं पूछा, लेकिन उत्तर देने वाले को पता लगता है कि अंदर ग्रे एरिया है, उत्तर दिया तो लेकिन हम अभी संतुष्ट नहीं। हमारा खुद यह साहस हो सकता है क्या कि कोई व्यक्ति ऐसा बैठा है जिसके बारे हमको लगता है कि वो कुछ एड ऑन करके इसको ठीक कर सकता है, तो हम लाइवली उसको बुला सकें कि इसमें कुछ कमी बेसी रह गई है तो आप उसको पूरा कर दें, है ना? ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये करने में हमारे अंदर इतनी बेचैनी महसूस होती है कि हमारा जो सम्मान था वो, और अगर किसी ने खड़े होकर कर दिया तो फिर तो हथौड़ा बज गया सम्मान का। अभी देखेंगे तो ये सारा काम अब यहां होना है, गहरी यात्रा है, हम सभी की गहरी यात्रा है इसमें। तो यहां पर जब हम ये सब ऑब्जर्व करते हैं तो इच्छा होती है कि हम कुछ सेशन लें, तो कई बार हम डिमांड करने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं, ये सब जो भी होता है, हम आसे इनसे बात कर सकते हैं, है ना, कि हमने बैठकर आपके वीडियो सेशन को ठीक से ऑब्जर्व किया, उसमें हमने ये पॉइंट महत्वपूर्ण देखे, ये बात ध्यान में आई, मैंने एक तैयारी किया है, रात में इस वीडियो के सेशन को मैं आपको प्रेजेंट करूंगा, आप मेरे में कुछ कमी बेसी हो तो मेरा ध्यान दिलाइए, अगर मेरी तैयारी ठीक हो जाती है और आप लोग कहेंगे तो अगली बार मैं इसको करने के लिए अपने को प्रस्तुत करूंगा, अगर आवश्यकता महसूस होती है तो मैं इसे भी इंट्रोड्यूस कर सकता हूं अपने। नहीं, वैसे आप जितना ठीक ढंग से अपने को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उससे ज्यादा गहराई में ये लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इनका महत्व इस बात में नहीं है कि इन्होंने कितना अच्छा वर्कशॉप ले लिया है, खासतौर से इनका, क्योंकि 100 सेशन ले चुके हैं, 50 सेशन ले चुके हैं, एक और ले लेंगे क्या मिलने वाला है, 50 से कुछ नहीं तृप्त हुए तो 91 उसका मान से क्या तृप्त हो जाएंगे। तब इनके लिए वो मुद्दा नहीं है, इनकी उपलब्धि इस बात में है कि ये आदमी में प्लस वन कितना हुआ, ये आदमी में प्लस वन कितना हुआ, ये आदमी में प्लस वन कितना हुआ, इन लोगों में और इस पोटेंशियल के लोग कितने दिखाई दिए, जितने दिखे सबको अगली सीढ़ी को बढ़ाना और उनको मार्ग देना और जरूरी लगे तो खुद पीछे हट जाना, ये उस दिन सबसे अधिक सफल माना जाएगा जिस दिन किसी वर्कशॉप में 8 दिन रहा और एक भी सेशन लेने की इसको आवश्यकता महसूस नहीं, ये उसका सफलतम दिन होगा, ऐसा टीम वो खड़ा कर पाया। फिर जो लोग हैं वो धीरे धीरे, ये बात ध्यान में आ रही जो मैं कहना चाह रहा हूं।
तो इसकी सफलता इसमें नहीं है कि इसने कितना अच्छा सेशन ले लिया, पहले दो तीन बार के लिए है तो उसको मैं यहीं रखूंगा। जिस दिन ये मानसिकता बन गई कि हमको अब वर्कशॉप में खड़े होकर सेशन लेना हमारा कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं है, है ना, ये जो टीम है वो खड़े होकर पूरा सेशन ले पाए, किसी को अगर सेशन में पता भी ना चले कि मैं रिसोर्स पर्सन हूं तो ये ज्यादा अच्छा नहीं, वो सफलता का दिन है इसके लिए। ये बात को मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि अपनी मानसिकता धीरे धीरे ऐसा होना जरूरी है, अन्यथा हम उस जगह पे पहुंच ही नहीं पाते नहीं। तो किसी वर्कशॉप के सारे सेशन लेके सारे श्रोताओं को संतुष्ट कर देना एक लेवल की उपलब्धि है, लेकिन 5-10 बार जब आप इसी प्रक्रिया को रिपीट करने लगते हैं तो आप ही को लगता है ये क्या उपलब्धि है। मतलब आप इंटरेस्टिंगली देखेंगे ना, मैं बताऊं, आपने एक वर्कशॉप लिया, अभी तो चूंकि हम लोग ज़्यादा हो गए हैं वर्कशॉप लेने वाले तो ये अवसर कम होते हैं, हमको 2010, 12, 14 तक के दिन याद है, मतलब 2017-16 की स्पेशली हम लोग एक समर ब्रेक में 35-40 दिन में लगभग होता था, 1.5 महीने का समर ब्रेक होता था, उसमें 35-35 वर्कशॉप्स करते थे, 25-25 वर्कशॉप्स करते थे, खाली यूपी की बात कर रहा हूँ मैं, 8-8 दिन के। तो कई बार ऐसा होता था कि है ना, एक आदमी ने यहाँ वर्कशॉप खत्म किया, रात भर ट्रेवल किया, सुबह वहां पर शुरू कर दिया, फिर रात भर ट्रेवल किया, अगर 3 वर्कशॉप ले रहा है फिर शुरू कर दिया, ऐसा कई बार, क्योंकि बाकी समय समय नहीं मिलता था। अब उसमें इंटरेस्टिंगली देखेंगे क्या होता था, ये वाले वर्कशॉप आपने शुरू किया, 8 दिन लिया, 8वें दिन मूल्यांकन हुआ, सामान्यतः मूल्यांकन में सारे जो पार्टिसिपेंट होते हैं सारा कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, सम्मान व्यक्त करते हैं, फोटो खिंचाते हैं, है ना, पता पूछते हैं, 4 बार नाम लेते हैं, ताली बजती है, ये सब आपको उठा ले आया यहाँ है ना, अब यहाँ उठ के आ गए और ठीक रात भर ट्रेवल करके अगले दिन जाना है अगले वर्कशॉप में, और अगले वर्कशॉप में जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं ज्यादातर यूनिवर्सिटी और डायरेक्टर के लिखे गए चिट्ठी के दबाव में आए, बेसिकली वो आना नहीं चाह रहे हैं लेकिन आ गए हैं, और ज्यादातर ऐसे लोग बैठे हैं जो आपसे बड़ी डिग्री और ज्यादा उम्र और ज्यादा एक्सपीरियंस लिए बैठे हैं, वो पहले 3 दिन कपड़ा फाड़ना शुरू करते हैं, आप अपने को यहां रख के देख रहे हैं, वो अपने को यहां रख के देख रहे हैं, इतना भयंकर पीड़ा से गुजरना पड़ता था, इनको मालूम नहीं है मैं क्या चीज हूं ये सबको 5वें-6वें दिन समझ में आएगा 8वें दिन है ना, ये सारी भूचाल से गुजरते हैं। अगर हम ये वर्कशॉप को ले रहे हैं मात्र किस चीज के लिए, अपने शब्दों से लोगों के बीच में प्रभाव पैदा कर एक सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए। रात भर की यात्रा के बाद आप उतर आए जमीन पे, वहां तो आपको फिर वो वहीं से उठाएगा, फिर 8वें दिन सभा के स्टेटस में अपनी स्वीकृति आप बना के गए अगर उस दृष्टि से जा रहे हैं, लेकिन उस अहंकार बस पिछले वर्कशॉप से ज्यादा गलती इस वर्कशॉप में होती है, क्योंकि आप अपने को बहुत हाई प्लेस करके, आप बहुत लंबे लंबे समय ब्रेक के बाद जब लेते हैं ना, तो वहां भले आप अपने वर्कशॉप में राजा बन के लौटते हैं, कॉलेज में आते ही लोग वापस प्रजा बना देते हैं तो 2-4 महीने में आप बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं, वो सारा सम्मान का आवेश उतर जाता है, फिर दोबारा जाते हैं तो बहुत पता नहीं चलता, कभी टू बैक करें तो पता चलेगा कि कैसे आप इस जगह पे खड़े हैं और लोग पकड़ के आपको नीचे खींच रहे हैं सो दैट्स ऑल, तो देखेंगे तो ये क्या। तो यहां पर आप कुछ वीडियो सेशंस तैयार करते हैं इनके मदद से, फिर जब आप अगली बार सेशन ले रहे होते हैं तो खुद इन लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बैठिए, मेरे को कोई महत्वपूर्ण बात ध्यान दिलानी है तो दिला दीजिए, मैं सेशन लेता हूं, बाद में कुछ कमी बेसी रहे तो आप लौट के मैं आपको बुलाऊंगा, आप उसको पूरा कर दीजिएगा, और शाम को फिर चर्चा करूंगा कि जो मैंने किया वो ठीक किया कि इस काम को करते हैं। और इनके भी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि इस काम को अगर 3 बार कर चुके हैं वीडियो सेशन लेने का, तो तीसरी बार जब ले रहे हैं तो कोई आदमी को इस तैयारी के साथ बिठाएं कि अगली बार इसको लेना है, तीसरी बार ले रहे हैं तो इनकी सफलता नहीं है, इनकी असफलता है कि आगे मूव नहीं हो पा रहा है, इसलिए क्योंकि ध्यान अभी इतने पे है,
तो ये दूसरे आदमी को तैयार करें कि अगली बार वो लेगा और ये बैठे रहेंगे, और ये फिर ध्यान दें कि जो मेन सेशन चल रहे हैं शिविर के, उनमें से किन सत्रों को हम ले सकते हैं। तो जो मुख्य सत्र जहां से आप फेस टू फेस वर्क, ऑनलाइन में तो कहीं से इंसर्ट हो जाइए उतना प्रश्नों का बौछार और सबका वो नहीं है ज्यादा, एक कंट्रोलिंग है आपके पास, लेकिन यहाँ कोई कंट्रोलिंग नहीं है, है ना, यहाँ तो एकदम हाथ उठने लगते हैं तो उसके लिए जो सबसे आसान जगह है जहां से इसमें आप इन हो सकते हैं, नेचर को इंट्रोड्यूस करने वाला एक आसान जगह है, समाज को इंट्रोड्यूस करने वाला आसान जगह है ना, ये जो मैं शरीर के अंतर को इंट्रोड्यूस करने वाला है इनिशियली, है ना, उतना आसान है, लेकिन सेल्फ के होने को एस्टैब्लिश करने में दम लगाना पड़ता है, जो आगे भी हो जाता है, बट फिर भी वहां इंसल्ट हो सकता है। किसी ने इस तीनों जगह तैयारी कर ली है फिर देखेगा तो सम्मान को इंट्रोड्यूस कर सकता है, अदर फीलिंग को इंट्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन कंक्लूड कराना पड़ेगा क्योंकि फीलिंग में एक रूपता लानी पड़ती है, है ना। ये सब जगहें जो हैं वो सिंपलेस्ट जगह हैं जहां बहुत ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते जहां आप उलझ जाएं, सिंपलेस्ट जगह वहां की आप तैयारी करें, घर जाकर अपने प्रेजेंटेशन को लैपटॉप पे ऑन करें, करें और उस प्रेजेंटेशन को अगली बार जिन लोगों के साथ आप वर्कशॉप लेने जाने वाले हैं उसके रिसोर्स पर्सन को, फैसिलिटेटर को भेजें, उसका फीडबैक लें, उस फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करके फिर से दोबारा से करें, फिर उसको भेजें, तो टीम के जाने से पहले ही आपकी योग्यता का एक आकलन हो गया होता है ना। तो अब इनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि अगर ये उसी सेशंस को दो या तीन बार ले चुके हैं तो अगली बार कुछ जगहों पर आपको खड़ा करें। मैं ये जरूर आग्रह करता हूं कि पूरे डेढ़ घंटे के लिए ना खड़ा करें, आधे घंटे, 45 मिनट, एक घंटा, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि फिर वो आदमी को बैकफायर भी करता है और फिर लास्ट में आपको आधा घंटा मिल जाता है इसमें जो भी कमी बेसी है उसको पूरा कर देने के लिए, तो पार्टिसिपेंट्स के साथ भी इनजस्टिस नहीं होता है ना। तो ये अब इनकी जिम्मेदारी है। अब आप धीरे धीरे इन सेशंस को ले लिए तो ये ज्यादातर सेशन ऐसे हैं जो चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, दूसरे दिन आते हैं, तो लगभग रोज आपके पास एक सेशन लेने की तैयारी दो तीन बार में हो जाती है। तब ये वो जगह है जहां पर आप रोज कम से कम एक सेशन ले सकते हैं, हालांकि उसको भी यहीं रखना ठीक है ना। जब आप दो सेशन लगातार ले पाएं, एक पूरा दिन लगातार ले पाएं, या 50-60% सेशंस लगातार ले पाएं, ऐसे लोगों को यहां देख सकते हैं, और ये बार बार चले जब तक सारे सेशंस नहीं हो जाए। तो जब आप सेशन लेना शुरू करते हैं तो कुछ सेशन आपको बहुत ही आसान लगते हैं, कुछ थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं, कुछ बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, तो जितने डिफिकल्ट सेशंस आप समझते हैं या थोड़े डिफिकल्ट, उसमें इनसे जरूर आग्रह करें कि आप उनमें तो जरूर हमको इनपुट दें, बल्कि जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो गए हर सेशन में इनसे आग्रह करें कि आप हमको इनपुट दें, है ना। आप अगर इनपुट मांगेंगे तब ये इनपुट खुल के दे पाएंगे, और जो इनपुट दे रहे हैं फिर उसको पचाने में समय लगता है, कई बार हम उसमें अपना व्यू पॉइंट रख के जस्टिफिकेशन देने लग जाते हैं, है ना। मे बी मेरा जस्टिफिकेशन सही हो, लेकिन उस समय जब इनपुट आ रहा है तो मैं अपना जस्टिफिकेशन और उनके आए हुए इनपुट को एक साथ जोड़कर देखने में समय लगाऊं, ये पचाना हुआ। उन्होंने पॉइंट व्यू ऑफ व्यू से कहा, आपने दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से उसको काउंटर करना शुरू कर दिया, अगली बार वो इनपुट नहीं देंगे आपको, और वही गलती आपसे बार बार होती रहे, है ना। तो इनसे भी लें और इन सब लोगों से भी इनपुट लें कि आप लोग की दृष्टि से कैसा रहा, कहां पर और एड ऑन हो सकता है, कहां और जोड़ा जा सकता था, कहां कम किया जा सकता था, फिर उसके साथ आप में एक तैयारी शुरू होती है। और इनकी जिम्मेदारी अब इनको 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 सब पर ध्यान देने की है, सारा सेशन ठीक से चले उस पर ध्यान देने का है, है ना। ये इन सब में जहां जहां कमी हो रही है उसको पूरा करेंगे, है ना, ज्यादा कमी है तो ज्यादा पूरा करेंगे, कम कमी है तो कम। अगर ये टीम ज्यादा मजबूत है तो अब उन 8 दिन के दौरान इनकी जिम्मेदारी ये है कि जिस इंस्टीट्यूशन में वर्कशॉप हो रहा है वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से मिलना, है ना, जो वहां की लोकल टीम है उनकी कठिनाइयों को समझना, को मजबूत करना, उनको भविष्य के लिए कॉलेज प्रशासन की तरफ से मार्ग बनाकर देना, 8 दिन गए हैं तो उसका सदुपयोग, साथ साथ इस टीम को भी सस्टेन करें।
फिर और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आगे के लिए, और किन लोगों को इसमें इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जो इंट्रोड्यूस लोग हैं उनमें कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये सबके जजमेंट को बनाए रखना अब इनकी जिम्मेदारी। तो मैं तो इस पूरी यात्रा को कुछ इस ढंग से देखता हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये यही कोई उपलब्धि की जगह है ऐसा नहीं है ना। इसके बैकग्राउंड में है ऑनलाइन कॉलिंग कर रहे हैं, डेटा मैनेज कर रहे हैं, पीपीटी बना रहे हैं, लिटरेचर डेवलपमेंट कर रहे हैं, 50 काम है। ये सारे काम अगर नहीं होंगे तो ये सब काम का भी मल्टीप्लिकेशन। तो एक समय ये जितने लोग हैं, खासतौर से ये दो लोग, इधर के जितने काम हैं उनमें से कुछ कामों का तो जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लें कि हम, हमारे साथ जो टीम डेवलप हो रही है हमको धीरे धीरे उस काम को करना है। कोई भी काम की एक जिम्मेदारी, उस काम से काम तो होता ही है, लेकिन उस काम में 20-25 लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनका हर सप्ताह 10 में इंट्रैक्शन होता है, वो 25-30 लोग एक परिवार के रूप में नर्चर होने लगते हैं, है ना। और वो इंट्रैक्शन चलता रहता है, वर्कशॉप चले तो ना चले तो, है ना। अंततो गत्वा तो महत्वपूर्ण जगह ये है जो आप लोगों ने अभी अध्ययन किया कि सही जो दिख गया है वो परंपरा में आ जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाए, है ना। तो फिर इससे निकल के इस जगह पे आना है कि जो कुछ ये चल रहा है इसकी परंपरा कैसे बनेगी। परंपरा बनने का आशय यह हुआ, मैं नहीं रहूं तो भी ऐसे ही चलेगा, इससे बेहतर चलेगा कि नहीं, इस दृष्टि से उस पूरे बात को देखना। तो चॉइसफुल तरीके से अपनी को कई बार फ्रंट पे लेके आना पड़ता है, जहां बहुत व्यवधान है और जहां लगता है एक टीम तैयार है आगे संभाल रही है, बहुत चॉइसफुल तरीके से एकदम बैकग्राउंड में जाना पड़ता है। अब उस दृष्टि से एक परंपरा के तरफ चीजों को आगे बढ़ाना कि उसकी परंपरा बन जाए, है ना। मैं रहूं तो ही चले ऐसा नहीं, मैं ना रहूं तो भी चलती रहे, चलने लग जाए तो अपने को बिल्कुल बैकग्राउंड में कर लेना, तो दूर नहीं कोई नई चीज खड़ा करना, है ना। ऐसा मैं इस पूरे यात्रा को मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे देख पाता हूं। इसमें कुछ कमी भी होगी बेसी भी होगी, राजीव भैया अगर इसमें कुछ जोड़े तो अच्छा रहेगा, मैं जिस दृष्टि से देखता हूं इतना देखता हूं। राजीव भैया हमारा जो यात्रा है लगता 2006 में शुरू किया था आपने भी, तो हम लोगों ने एक साथ शुरू किया था बहुत सारे इनिशियल वर्कशॉप्स में, हम और राजुल भैया, हमें लगता पंजाब के सारे कार्यक्रम में और भूटान के बहुत सारे कार्यक्रम में और AKTU के इवन स्कूल एजुकेशन में लगभग साथ साथ रहे, है ना। और कभी राजुल भैया को आप आमंत्रित करें अपने वर्कशॉप में और उनको ये कॉन्फिडेंस जरूर दे दें कि आप उनकी कही गई बात को सुन पाएंगे, तो इतने सूक्ष्म इनपुट आपको देते हैं जिसको देखने में आपको अपने में 10 लग जाए, है ना। इतना बारीक ऑब्जर्वेशन है आपका, है ना। मेरे में जितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसमें भैया के दिए गए ये इनपुट बहुत महत्वपूर्ण रहे, है ना। मैंने 2011 में पहली बार शिक्षकों का वर्कशॉप लेना शुरू किया था, वर्कशॉप लेना तो 2008 से शुरू कर दिया था, 7 से 8 से याद नहीं एग्जैक्टली, तब मैं स्टूडेंट्स का ही वर्कशॉप लेता था। 2011 में पहला वर्कशॉप आगरा में हिंदुस्तान कॉलेज से शुरू था मैंने लेना, तो शुरुआती कुछ वर्कशॉप में एक हम लोग के गार्जियन थे IIT दिल्ली के प्रोफेसर RR गौड़, जो UHV 2 की बुक है उसमें वो मेन ऑथर रहे और इस पूरे काम को सजाने में खींचने में भूमिका और बहुत जगहों पे, क्योंकि वो कालखंड था जहाँ किसी भी कॉलेज में नहीं चलता था, कहीं भी एजुकेशन सिस्टम में था नहीं, तो कहीं भी जाइए सारे अधिकारियों के लिए नया था ये, तो बहुत शंका की दृष्टि से किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी बहुत डिसीजन लेने के लिए, है ना। ठीक लगते हुए भी हिम्मत नहीं पड़ पाती थी कि इस पक्ष में डिसीजन ले सके, ऐसे माहौल में उन्होंने जिंदगी के 40-50 साल लगाए और ऐसे माहौल को तैयार किया कि जहाँ पर ये सब डिसीजन हो पाए। तभी आप देखेंगे तो एक नाम आप लोग शायद परिचित हो, श्याम भैया, कितने लोग जानते हैं श्याम भैया, काफ़ी लोग जानते हैं। ऐसे एक अभिषेक भैया है, अभी तो जान गए होंगे, गए होंगे तो मिले होंगे लोग, आप देखेंगे तो ये किसी वर्कशॉप में आपको दिखाई नहीं देते, कहीं दिखाई नहीं देते, नहीं किसी वर्कशॉप में दिखाई नहीं देते, कहाँ रखे उनको इसमें, बेकार लोग हैं।
उनकी बनाई गई परंपरा है कि ये हॉल हमको मिला है, उनकी बनाई गई परंपरा है कि वो आपको रेजिडेंस यहाँ मिला है, एज ए स्टूडेंट यहाँ थे वो लोग, उन लोगों की शुरू की गई ये परंपरा है, खुद आगे बढ़ के किया, टीम तैयार किया और उस परंपरा को बना के किसी और बड़े काम में लग गए, आज आपको दिखते भी नहीं, जबकि देश भर में सैकड़ों वर्कशॉप हो रहे हैं, कहीं उनके नाम की कोई ताली नहीं बज रही, जबकि वो लोग थे रात रात भर खड़े होकर यहाँ पर, इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं, कहने का आशय ये बिल्कुल नहीं है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि इन लोगों ने जो एफर्ट किया ऐसे कालखंड में जब घर के लोग भी बहुत इसको वैल्यू नहीं करते थे, बाहर वाले तो खैर क्या ही करते थे, है ना। तो जैसे कुछ उदाहरण बताऊँ, एक बार ये वर्कशॉप हॉल हम लोग को नहीं मिला, तो ठीक इसके आगे जाकर एक योगा हॉल है, वो हॉल हम लोग को मिला, तो उस हॉल में लगभग है ना बहुत सारा उनका स्टोर रूम जैसा बना हुआ था, है ना, तो कुछ लोग लग करके वो जो सामान है ना उठा करके किनारे किनारे रख दिए, लेकिन उस समय पंजाब से भी बहुत से लोग उस वर्कशॉप में आ गए थे, 2011 की बात है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, और पार्टिसिपेंट बढ़ गए, और ये सब पता लगा वाइस चांसलर खुद आए थे उसमें, तो उनकी एक बड़ी टीम आई थी, मुझे लगता है कि लगभग नहीं तो रात भर ही जगह थे वो लोग, और एक एक सामान को हटा हटा करके और पूरे वर्कशॉप हॉल को, सुबह आएंगे तो पता ही नहीं चलेगा स्टोर रूम में, आप पार्टिसिपेंट से थोड़े कह सकते हैं कि आज हम वर्कशॉप नहीं चलाएंगे क्योंकि हॉल रेडी नहीं है, यू हैव टू डू इट, झाड़ू लगाना पड़े, पोछा लगाना पड़े, जो करना पड़े, अभी आप आते हैं यहाँ पर, जब शुरुआती वर्कशॉप चलता था तो रात भर लोग आते रहते थे, आप लोग भी किसी की ट्रेन कभी है, किसी की ट्रेन कभी है, उन्हीं लोगों का नंबर होता था, आपको रिसीव करना, आपका सामान रूम तक पहुँचाना, आपको सेटल करना, कोई कमी है उसको पूरा करना, फिर अगले दिन आके इस वर्कशॉप को संचालित करना, अभी तो कागज़ के कप चलाने लगे, तब स्टील के कप चलाते थे, चाय पी के लोग आ गए तो सबसे बड़ा चैलेंज होता था कपों को इतने एरिया में ढूंढना जहाँ पिया रख दिया कागज का वो सब ढूंढ ढाड़ के ला के उधर एक है ना उसमें जाके सबको धोना सुखाना ये सारा लोग करते थे। उस ढंग से एक परंपरा खड़ा किया और ये परंपरा अभी भी देखेंगे तो IIT में चल रहा है। तो मनोरंजन उसके नए पीढ़ी के लोग हैं, रोशन उसकी अगली पीढ़ी के लोग हैं, है ना, और ऐसे कई लोग हैं, कईयों के तो नाम भी मैं नहीं जानता, और ये सारी परंपरा हम सब लोगों के कॉलेजेस विद्यालयों में बन सकती है। हमको भी एक समय महसूस हुआ, तो हम भी एक प्राइवेट कॉलेज यहाँ पर था महाराणा प्रताप, उसमें उस समय पढ़ाते थे, तो हमने इस प्रयोग को शुरू किया, प्राइवेट कॉलेज एक ऐसी जगह शुरू किया जहाँ मैनेजमेंट का जीरो नहीं निगेटिव सपोर्ट था। निगेटिव सपोर्ट का मतलब समझते हैं कि अगर हमको पता चला कि आप ये कर रहे हैं तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। शुरू में तो जीरो सपोर्ट था, लेकिन धीरे धीरे बच्चे इसमें बढ़ने लगे, तो 250 बच्चे गुजर गए, जो बच्चे इससे गुजर जाते हैं आपको गार्जियन के रूप देखने लगते हैं, दूसरे जो शिक्षक इसमें नहीं जुड़े हुए हैं उनसे कहिए नमस्ते ना करें, और वो झगड़ा कर रहे हो आप बगल से गुजरिए तो दूरा किनारे खड़े हो जाते हैं, अब 250 बच्चे कॉलेज में आपके साथ ऐसे जीने लगे तो माहौल आपके प्रति तो बदल ही जाता है ना। तो हम लोग को याद है हम लोग कॉलेज में पहली बार, हमारा कॉलेज का कंस्ट्रक्शन वहाँ नया नया हुआ था, अभी तो बनी रही थी बिल्डिंगें, ऐसे में बच्चों ने कहा कुछ स्पोर्ट्स नहीं होते यहाँ, करते हैं, तो ग्राउंड तो था लेकिन चूंकि कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो ईंटें पत्थर के टुकड़े खूब थे, तो हम लोगों ने क्रिकेट का मैच सोचा शुरू करेंगे तो ग्राउंड ही नहीं है इसका खेलने, मतलब हमारा अनुमान है कम से कम कितने 100-150 बच्चे तो होंगे, हॉस्टल तो पूरा आसपास का आ गया, रात भर जग के सब पत्थर भी नहीं थे, सब जुट गए है ना, पत्थर वत्थर बीन के और ग्राउंड को ऐसा सजा दिया, अगले दिन शिक्षक आए तो उनको लग रहा कि ये वही ग्राउंड है क्या। अब ये सब जब होने लग जाता तो जो बहुत सारे साथी लोग जो हैं जिनके साथ हम प्रतिस्पर्धा में जिए रहते हैं, हम भी जिए हैं, तो अब उन लोग को खतरा लगने लगता है, तो फिर वो भी कुछ करेंगे तो फिर एक निगेटिव माहौल तैयार होता है अलग अलग ढंग से, फिर तो जैसे ये कहना शुरू करेंगे देखिए ये वर्कशॉप किया हुआ बच्चा है इनका और ये लड़ाई कर रहा है तो
ये वर्कशॉप किया हुआ बच्चा है, इसने मैथ्स में आज खाना नहीं ठीक बना, इसको लेके इसने जो है आज प्रश्न उठाए, ये सबको ये भड़का रहे हैं। बस हो गया काम मैनेजमेंट के लिए आपके लिए पूरा। एक समय ऐसा आ गया कि हम लोग ये वर्कशॉप कैंपस में नहीं चला सकते, ये खुल के बोल दिया गया। बच्चों ने कहा ये तो चलेगा, बच्चों ने कहा कि ये तो चलेगा। मैं कैसे चलेगा भाई, ना वर्कशॉप हॉल मिलेगा ना, हम कैंपस में ही रहते हैं, अपने घर में भी करा लेते थे, वहां में नहीं चल सकता, कैसे चलेगा। तो बोलेगा कैंपस में ही नहीं कर सकते ना, बाहर आपको आने में तो प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चे बाहर जो कमरा लेके रहते थे वो ढूंढे कि सबसे बड़ा कमरा किसका है। ये पंकज जी दिख रहे हैं ना आप लोग के साथ, ये पंकज जी उसी बैच के। इन लोगों ने अपना कमरा निकाला और वहाँ अपने कमरे में वर्कशॉप अरेंज किया, 25-30 बच्चे बुलाए, चाय वाय सब व्यवस्था किए। हम अपना एक प्लास्टिक की सीट थी हमारे पास ना, वो नहीं चार्ट जैसा आता है जिस पर लिख सकते, दो लेके हम पहुँच जाते थे, ये अपना लगा देते थे, उसी पर वर्कशॉप चला। कई मतलब 2-2.5 साल तो ऐसे ही चला। वापस फिर सब दिन होते ना एक समान, डायरेक्टर बदल गए, दूसरे डायरेक्टर आ गए, उनको इसका महत्व समझ में आया, उन्होंने इतना सपोर्ट किया कि श्री महाराणा से एक लोग और आज आए हुए हैं, डॉक्टर पंकज सिंह, किधर है, अच्छा अभी गए, अभी गए। तो वो वहाँ से पर्सन बन के निकले, मनीष तिवारी जी रिसोर्स पर्सन बन के निकले, ये मोती जी वहीं से स्टूडेंट थे तब, अभी अपनी यात्रा भी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, ये भी वहाँ से रिसोर्स पर्सन बन के निकले। और एक इंटरेस्टिंग बात ये हुआ वहाँ पर, इतने सारे पॉजिटिव नेगेटिव वातावरण में, कि एलुमनाई बच्चों की एक स्ट्रॉन्ग टीम बन गई। 2008 में यात्रा शुरू किए थे, अभी कौन सा साल है, 2014, अभी भी वो बच्चे ऑनलाइन मिलते हैं, ऑनलाइन तो अब शुरू हुआ है, पहले साल में वो कहीं रहे, साल में एक बार 3 दिन के लिए ज़रूर आते थे, जब से कोरोना काल आया तब से वो सब पैटर्न थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, आते थे 2-3 दिन सब साथ रहते, शादी ब्याह हो गया उसके बाद भी, है ना, सपरिवार आने लगे बाद में, और अभी भी ये पूरा काम ठीक से चल सके उसमें तन से मन से धन से जितना उनका सपोर्ट हो सकता है वो करते हैं। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी ये संभावनाएं पर्याप्त हैं, कठिनाई नहीं आएगी, मैं ये नहीं कह रहा, अलग अलग ढंग की कठिनाई है। हम अपने में यात्रा शुरू कर रहे हैं तो भी कठिनाइयां हैं, परिवार में भी है, कॉलेज में भी है, नहीं फिर जब आप किसी यूनिवर्सिटी को लीड करते हैं तो उसकी भी अपने ढंग की कठिनाइयां हैं। और राजुल भैया से पूछेंगे तो पूरे AICT प्रोजेक्ट को लीड करते हैं, वहाँ की कठिनाइयाँ कई गुना होंगी, है ना। तो कठिनाइयाँ तो सभी जगहों पर हैं, व्यक्तिगत से लेकर पूरे पृथ्वी तक, लेकिन अच्छी बात यह है कि सबके समाधान है, हमको नहीं दिख रहे हम बेचैन हैं, समाधान भर दिख जाता है तो बेचैनी खत्म हो जाती है। इम्प्लीमेंट 2 साल 5 साल 6 साल जब होगा तो होगा, जितना अवसर मिलेगा करेंगे, लेकिन समाधान दिख गया कि ऐसे इस तरीके से हो जाएगा तो झंझट खत्म। तो जब आप जितना योग्यता है उससे बड़ी जिम्मेदारी को लेने का सोचते हैं तो बड़ी दृष्टि से बड़ी बड़ी समस्याएं दिखती हैं, तो उसके बड़े समाधान भी दिखने लगते हैं। इस ढंग से यात्रा चल पड़ती है। तो मुझे लगता है कि मैं अपने अलॉटेड समय से थोड़ा ज़्यादा ही ले लिया है, बाकी देखेंगे। ये सब काम शुरू करते हैं तो बहुत सारा और अवसर निकलता है ना। इसी तरह के किसी एक वर्कशॉप में जेल के एक डिप्टी जेलर आए वर्कशॉप करने, पूरे वर्कशॉप वो बैठे रहे तब मुझे नहीं पता था कि वो डिप्टी जेलर है। सिविल ड्रेस में आते थे, बैठ के वर्कशॉप किया, वर्कशॉप के आखिरी 2-3 दिनों में उन्होंने अपने को इंट्रोड्यूस किया कि मैं डिप्टी जेलर हूँ, ऐसे ऐसे इस वर्कशॉप के बारे पता चला था तो मैं आया था। और आखिरी दिन उन्होंने कहा कि मैं इस वर्कशॉप को जेल के कैदियों के साथ कराना चाहता हूँ। तो हमने कहा कि 8 दिन का प्रभाव है, जल्दी उतर जाएगा, नशा ही है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं लेकिन एक 8 दिन में वातावरण बनता है, उसका एक प्रभाव रहता है। हमने तो यही मन में सोचा है प्रभाव है, वो प्रभाव बोल रहा है, स्वभाव है कि नहीं वो पता चलेगा कुछ दिनों में। सप्ताह 10 दिन बाद वो दोबारा आ गए, बोले मैंने अपने अधिकारी से भी बात कर लिया है, सोच भी लिया है कैसे होगा, कौन लेगा वर्कशॉप बताइए। तो हमने कहा मामला अब गहरा है। अब आदमी इतना तैयारी करके आ गया तो करना ही पड़ेगा। तो फिर हम लोगों ने वर्कशॉप तय किया, है ना। तो जेल में देखेंगे तो जेल के कैदियों के साथ वर्कशॉप शुरू हुआ। जब कैदियों के साथ शुरू हुआ तो टीचरों के साथ तो फिर भी ये था कि हम लोग ये जो 2009 के वर्कशॉप की सर बात कर रहे थे ना, कई बार जो इस हॉल में पहला हुआ, सौभाग्य और दुर्भाग्य से मैं ही उसका प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर था।
दुर्भाग्य से क्यों कह रहा हूं, 60 पार्टिसिपेंट जुटाने में मुझे पूरे 2 महीने लगे थे, सैकड़ों फोन करता था, ये यूएचपी क्या है, पहले टीचर को बताओ, फिर उसके हेड को बताओ, फिर डायरेक्टर को बताओ, है ना। मुझे लगता था कि 2 महीने फोन पे ही रहा था, सारे पर्सनल कॉन्टेक्ट सब, है ना, सब, जबकि यूनिवर्सिटी से लेटर निकल गया था उसके कोई जानते ही नहीं। 2 महीने में कुछ 65-70 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ और 56 लोगों ने वर्कशॉप को कंप्लीट किया था, और वो भी ज़्यादातर लोग इस दृष्टि से कंप्लीट किए कि आके एहसान किए, क्योंकि आए तो इस दृष्टि से थे। लोगों ने कहा भी कि साहब अभी तक वर्कशॉप का 2 मतलब हम जानते थे, कि किसी भी वर्कशॉप में इनॉग्रल सेशन में जाना जरूरी है और क्लोजिंग सेशन में सर्टिफिकेट लेने, बीच में च्वाइस है। सामान्यतः ज़्यादातर जो FDPs हैं इस तरह के च्वाइस बेसिस चल रहे हैं, कि टेक्निकल सेशन में तो च्वाइस है। हाँ बोले आप लोग तो जो 4 बार अटेंडेंस ले रहे हैं घेर के बिठा ले लिए, और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मैं ही था तो ये सब हम ही को झेलना था। कम से कम 14-15 हर साल 2 करते थे, 7 साल में 14-15 तब किए थे। एक बार मेरा जो है जो अपने भीतर का धैर्य है वो टूट गया था, इतना मैं उपद्रव हो गया था कि मुझे इसी वर्कशॉप में बैठ कर एक आदमी को बहुत जोर से डांटना पड़ा था। हाँ, डांटना पड़ा था, ये भाषा बोलकर मैं अपने आप को डिफेंड कर रहा हूँ। वास्तविकता ये थी कि बेहोशी में मैं कब डांट गया मुझे पता, लेकिन उस घटना ने मेरे को भीतर इंट्रोस्पेक्शन करने का बहुत सारा वातावरण खड़ा कर दिया। इस प्रक्रिया में बहुत सारा अवसर मिला ग्रोथ का। तो ठीक उसी तरह से जब मेरे को ध्यान आया कि जेल के कैदियों के लिए वर्कशॉप होना है, तो हमने कहा शिक्षक आकर के इतना तांडव किए थे पहले वर्कशॉप में, ये जेल का वर्कशॉप लेने जा उनके लिए क्या उम्र कैद पर पहले ही है कुछ दिन और रह लेंगे हमारी तो अगली यात्रा शुरू हो तो बड़ा झंझटी काम है। तो हम लोग गए तो जेल के अधिकारियों के साथ 2-3 घंटे का हम लोगों ने सेशन चलाया, तो अधिकारियों ने इंक्लूडिंग सुपरिटेंडेंट सब ने कहा कि ठीक है इसको करते हैं। फिर हमने कहा ऐसे नहीं करते हैं, पहले कैदियों का एक वो करते हैं ओरिएंटेशन 2 घंटे का, फिर उनसे पूछते हैं कौन करना चाहता है ना, जो करना चाहते हैं उनके साथ करेंगे तो थोड़ा रिएक्शंस कम आएंगे। तो हम लोगों ने उसको किया, तो लगभग 100 कुछ कैदियों ने उसमें रजिस्टर किया था, पर 102 ने पूरा किया। 15 दिन का हम लोगों ने चलाया था, सुबह 7 बजे से 9:15 बजे तक चलाते थे, और उसमें से अच्छी खासी संख्या मर्डर किए हुए कैदियों की थी, है ना, और ज़्यादातर संख्या जेल में आज के दिन पढ़े लिखों की है कि अनपढ़ों की है, प्रोफेशनली क्वालिफाइड भी पर्याप्त हैं, है ना। उस हमारे वर्कशॉप में एक ऐसे कैदी बैठे थे जो पहले खुद इंस्पेक्टर थे अब कैदी हैं, एक ऐसे थे जो सेना में अधिकारी थे अब कैदी हैं, एक ऐसे थे जो प्रिंसिपल रहे हैं किसी कॉलेज के अब कैदी हैं, एक ऐसे थे जो खुद जो है कथावाचक थे अब कैदी हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे थे जितने तरह के चार्जेस लग सकते हैं उन सबके अब नाम लेना तो कठिन है, सब सब अपनी कहानी थी, सबकी एक व्यक्तिगत अपनी कहानी थी, है ना। शुरुआत में उस कहानी के प्रतिक्रिया के साथ लोग प्रस्तुत होते हैं, प्रतिक्रियाओं के साथ, और सबसे पहली प्रतिक्रिया लोगों की ये थी कि जितना आप हम लोग को बिठाल के सुना रहे हैं ना, ठीक इसी जेल के दीवार के उस तरफ पुलिस लाइन है, पहले उनको सुनाइए, उसके बाद ये जो जजमेंटल जुडिशरी सिस्टम के लोग हैं पहले उनको सुनाइए, तब हमको सुनाइएगा। ठीक यही स्थिति यहाँ थी जब शिक्षक आए थे, बोले सब आप हमारे डायरेक्टर और वाइस चांसलर और मैनेजमेंट को सुनाइए, तब हमको सुनाइएगा। परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं था, लेकिन देखेंगे तो ये जो विरोध था 4-5 दिन में काफी कम हुआ लोगों का, है ना। 4th-5th दिन तक ये निष्कर्ष बनने लगा कि ये बात हमारे काम की है, जेल में रहते हुए हम अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं और जेल के बाहर जाकर के तो बहुत कुछ कर सकते हैं। वो जब उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उस मतलब विरोध से निकालना उनको मुझे आसान लगा, उनके अंदर जितना विरोध था उसको निकालना मुझे बहुत आसान लगा, आसानी से निकल गया, हमें लगा कि पार हो गया अब चल जाएगा सेशन,
लेकिन सातवें आठवें दिन स्थितियां और बिगड़ गई, वो घोर डिप्रेशन में जाने लगे। वो सबसे ज्यादा कठिन पड़ाव था। घोषण का क्या मतलब है? वो ये कहने लगे कि अब हमें बहुत गिल्ट फीलिंग हो रही है ना। पहले तो हमारे पास रीजन था कि उसने ऐसा किया तो हमने ऐसा कर दिया, अब तो अपने भीतर दिख रहा है तो अपनी गलतियां चारों तरफ दिख रही हैं। वो आपने भी गिल्ट फीलिंग पहले दूसरे वर्कशॉप में महसूस किया हो, आपकी गलतियां तो बहुत छोटी थी, उसने तो मर्डर कर दिया, उसका कितना गिल्ट फीलिंग होगा। उसने कहा ना तो हमारा परिवार हमको स्वीकारने वाला है, ना समाज स्वीकारने वाला है, ये सारा ज्ञान लेके हम करेंगे क्या। गहरी ना डिप्रेशन में गए और उस स्टेज से उनको निकालने में हमको जो है ज्यादा कठिनाई है। ज्यादातर सेशन जब आप लेते होंगे तो सबसे अधिक सेशन छूटा है लोगों को विश्वास वाला। पहली बार आप लोगों को भी शायद वही कनेक्ट किया हो पहली बार अपनी आप, लेकिन उस सेशन में विश्वास उतना नहीं छुआ लोगों को। सम्मान के सेशन में बहुत गहरा इंपैक्ट डाला। सबसे लंबी चर्चा उस वर्कशॉप में जो चली उसको लेके सम्मान। सम्मान में हम अपना रिलेटिव आकलन से बाहर निकल के हमारा कुछ सेल्फ आकलन हो सकता है और वो ज्यादा ऑथेंटिक और महत्वपूर्ण है, और उस आकलन से हमको इतनी मजबूती मिल सकती है कि दुनिया के तमाम प्रतिक्रियाओं को भी हम झेल सकते हैं, बल्कि स्थिरता को बनाए रख सकते हैं। ये आप सबने भी महसूस किया होगा। उसने उनको वहां से बाहर निकाला। लगभग साल भर हम लोगों ने वहां वीकली मीटिंग चलाई। पंकज जी एक आते हैं जो अभी, और एक सत्यानंद जी, ये लोग हर सप्ताह जा करके उनका वीकली मीटिंग चलाते थे। तो बाद में उसका रिपोर्ट वगैरह हम लोगों ने निकाला। तो ये कॉलेजेस से इस तरह की संभावनाएं भी निकल सकती हैं। जेल एक उदाहरण है, छोटे स्कूल उदाहरण है, इंटर कॉलेजेज उदाहरण है, समाज के लोग उदाहरण है। ये सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती है जहां पर भी हम खड़े हैं वहां से, है ना। तो मुझे लगता है कि समय तो मैं पूरा कर चुका हूं, तो आप अगले सत्र में शुरू करें तो ठीक है। मैं कुछ प्रश्न ले लेता हूं, 10 मिनट में कुछ प्रश्न ले लेते हैं। एक डायरेक्शन में ही सारी बातें कही हैं, कोई प्रश्न नहीं लिया। तो अगले सेशन में मोती जी अपनी बात कह देंगे, माइक दे दीजिए, कुछ छोटे छोटे सरल सरल प्रश्न पूछिएगा। नमस्ते भैया, ये FDP के बाद में हमने वीकली मीटिंग में जो FDP के पार्टिसिपेंट हैं उनको बुलाते हैं, और FDP के पार्टिसिपेंट पहले वीकली मीटिंग में बड़े जोर शोर से, मतलब 10 पार्टिसिपेंट्स आ जाएंगे, फिर उनका इंट्रोडक्शन लेंगे हम, फिर प्रेजेंटेशन चलेगा, फिर दूसरे वीकली मीटिंग में वो 10 में से 4 आएंगे, फिर एक आएगा, फिर धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट, फिर हम फोन भी करेंगे उनको कि आइए ऐसे करिए। तो उसमें आप क्या अच्छे बेहतर कर सकते हैं उनका इंटरेस्ट सभी, मतलब मैं 4-5 जगह जहाँ गया फिर उनको FDP में लेके वीकली मीटिंग में बुला के, फिर ये जनरल ट्रेंड सा बन गया, 10 आएंगे फिर 4 आएंगे फिर 2 आएंगे फिर नहीं आएंगे, क्योंकि उनका वीकली मीटिंग में इंटरेस्ट एक तो खुद रिसर्च पर्सन बनने का होता है, तो वो एक साथ दूसरा वहाँ मतलब स्टे कर जाता है, मतलब वो कंटेंट बनाएगा, फिर जिनको प्रेजेंटेशन के लिए अपने आप को रिसर्च पर्सन के रूप में नहीं बनना होता है, तो वो फिर उनको कनेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल आता है, क्या कर सकते। तो 2 दृष्टि है। एक दृष्टि तो यह है कि अगर आपकी सारी चर्चा रिसोर्स पर्सन बनने के केंद्र में ही चल रही है तो वैसे ही लोग टिकेंगे जो उस दृष्टि से आए हैं, है ना। तो ये तो जेन्युइन सी ही बात है। जो उस दृष्टि से नहीं आए हैं और हमारी चर्चा उनकी दृष्टि पर नहीं चल रहा है तो नहीं टिकेंगे। हमने एक प्रोग्राम शुरू किया, उसका नाम रखा परिवार संवाद अभियान। तो जो लोग वर्कशॉप कर चुके हैं और घर में जाके जीने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, उनके परिवारों के साथ 3-3 घंटे का एक एक दिन का परिवार संवाद शुरू किया है, है ना। और जो लोग के परिवार परिवार संवाद में आ जाते हैं, धीरे धीरे खुद वर्कशॉप में आने लगते हैं, फिर हमारे पास एक ऐसे लोगों की रीच हो जाती है जो अब इस पूरे प्रोग्राम को सिर्फ क्लास में पढ़ने पढ़ाने या रिसोर्स पर्सन बनने जैसे काम के लिए नहीं देख रहे, बल्कि पूरी परिवार व्यवस्था को सजा के चलाने के लिए देख रहे हैं, है ना। अब हम उनको ध्यान में रखकर कार्यक्रम अगर चलाना शुरू करते हैं तो हमारी सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ जाती है, नंबर 1। नंबर 2, हम 100 लोगों के साथ जब काम शुरू करते हैं तो कितने लोग सस्टेन कर जाएं तो अपने को सफल मानेंगे। 10% तय करना पड़ेगा ना, वो तय किए बिना अगर आप काम करेंगे तो वैसे ही है जैसे टूटा गिलास भरना,
बिना पेंदी का गिलास भरने जैसा काम है, क्योंकि आपने आवश्यकता निश्चित नहीं की। आप किसी एफर्ट को शुरू कर रहे हैं 100 लोगों के साथ, कितने लोग सस्टेन कर जाएं तो आप ये कहेंगे कि आपका प्रोजेक्ट सफल है, वो तय करना पड़ेगा। हमने जब शुरू किया था तो हम लोगों ने तो तय किया था 100 लोगों के साथ करेंगे, एक सस्टेन कर गया तो एफर्ट सफल है। और आज तक इससे 10 गुना सस्टेन किए कहीं भी। तो अगर आपने 15-20 लोगों का सेशन चलाया और एक सस्टेन कर गया तो इट्स गुड। फिर एक बैच लीजिए कोई, फिर उसमें से कोई एक सस्टेन कर जाएगा, फिर कोई एक बैच लीजिए, फिर एक सस्टेन कर जाएगा, ऐसे आप 5-6 हो जाएंगे, है ना। आप 5-6 गहरे हो जाएंगे और कुछ सरफेसियल हो जाएंगे, उनको मिला के 10 लोगों का जो सेशन चलेगा वो ज़्यादा लंबा और ज़्यादा गहरा चलेगा। तो जैसे मैं यूपी में देखता हूँ, तो सारे दौर से गुजरे थे हम लोग, आज के दिन में जिस शहर में देखता हूँ, जैसे मैं इलाहाबाद से ही देख, तो इलाहाबाद में ही कम से कम 15-20 लोग हैं। मंथली मीटिंग हम लोग रखते हैं फिजिकल, हम लोग कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हैं, 10 लोग, 5 लोग, 8 लोग, 12 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लखनऊ में भी देखता हूँ तो संख्या 20-25 है, लेकिन 8-10 तो वहाँ भी हमेशा, जब चाहे एक बार डिक्लेयर कर दें कि हम लोग आ रहे हैं मीटिंग के लिए, 10-15 इकट्ठे हो जाते हैं। और हम लोग तो फुल डे का रखते हैं, कानपुर में भी ऐसे ही, गाजियाबाद में तो संख्या बहुत ज़्यादा है, बड़ी जगह है वो, नोएडा में और ज़्यादा है, मेरठ में भी है, जितने बड़े हमारे नोडल सेंटर्स थे लगभग आसपास ऐसी टीम डेवलप हो गई जिसमें गहरे लोग हैं जो गहरी बातें कर सकते हैं, लेकिन सरफेसियल भी। तो गहरे लोगों के साथ कोई लंबा प्रोग्राम चल जाएगा सरफेस, उसके साथ हमको प्रोग्राम में मॉडिफाई करते रहना पड़ता है ना, तो इस ढंग से चल सकते हैं। मतलब फैमिली कनेक्ट के लिए वीकली मीटिंग मतलब सफिशिएंट नहीं है, फैमिली कनेक्ट अगर है तो कोई और प्रोग्राम ऐसे। तो वीकली मीटिंग में अभी तो आप उन्हीं को बुला रहे हैं ना जिन्होंने वर्कशॉप किया है, उनकी फैमिली ने तो नहीं किया। तो जब आप कुछ दिन वीकली मीटिंग चलाएंगे तो कुछ लोग खुद ही कहना शुरू कर देते हैं कि बात हम लोग की चर्चा तक तो ठीक है, घर में तो ये होता नहीं है, घर में हम बात करते हैं लोग कुछ और करते हैं। तो फिर हम लोग तय करते हैं, अच्छा ठीक है, हम लोग एक दिन परिवार के साथ कहीं मिलते हैं, वहाँ इस पर से हम बात करते हैं, है ना, इस ढंग से शुरू हो जाता है। ऑनलाइन भी किया है हम लोगों ने, लेकिन मुझे लगता है कि ऑफलाइन शुरू करना चाहिए इसको। क्या है, परिवार में भाव केंद्र में है, कि परिवार संवाद को अगर ऑफलाइन शुरू करें, भले 3 घंटे के लिए कहीं करें। और हम लोगों ने तो देखिए इस ढंग से किया था कि हम लोग इसको जीरो बजट पे रखेंगे। जीरो बजट पे रखने का क्या मतलब है, तो हम लोगों ने लखनऊ में पहला वर्कशॉप रखा था, किन के घर पर रखा था, मनीषा दीदी भी बैठी हैं, हमारा इनका बड़ा झगड़ा हुआ था उसमें, वही टीचर टीचर वाला झगड़ा जो बता रहा था। तो जब रखा गया, इनका घर चयन किया गया, शहर में ऐसी लोकेशन पे था जहाँ सब लोग आ सकते हैं, तो हमने कहा कि देखिए वर्कशॉप तो आपके घर में रख रहे हैं, तो बोले अगली लाइन बोलने नहीं दिया, बोले बाकी सब व्यवस्था तो हम करेंगे। हमने कहा वही तो इसीलिए तो फोन किए हैं कि आप ना तो खाना खिलाएंगी, चाय पानी कुछ नहीं कराएंगी, सिर्फ जो है जगह आपका प्रयोग होगा, है ना। तो बोले खाने का दिन भर का प्रोग्राम है, लंच तो, हमने कहा लंच का ये होगा कि जितने हम लोग आ रहे हैं और वो उसी शहर के जो हैं वो खाना बना के लेके आएंगे, लेकिन वो जो खाना है वो भी फिक्स होगा, नहीं तो आप 3 दिन पहले से खाना बनाने की तैयारी करेंगे, उसकी एक प्रतिस्पर्धा शुरू होगी, वो नहीं चलेगा। तो यार, तो हम लोगों ने डिश फिक्स की कि एक तो खिचड़ी ला सकते हैं, और हमारे यूपी में एक टर्म पॉपुलर है तहरी, उसमें चावल और सब्जी डाल के बनाते हैं, तो खिचड़ी या तहरी ही बना के ला सकते हैं, और कुछ नहीं लाएंगे बना के, है ना। अब उसमें क्या, सबकी खिचड़ी एक में मिला दो। खा रहे हैं सब, क्या प्रॉब्लम है उसमें भाई, 4 तरह की खिचड़ी मिल गई, है ना। अब सबसे ज्यादा ऐतराज इसमें किसको था, जिसके घर जा रहे हैं, आप ही के घर 10 लोग आए और खाना लेके आए, वो आप ही को नहीं स्वीकार होगा। तो उस पीड़ा को मैं समझ रहा था उनके, ये ऑनलाइन मीटिंग में तो कुछ बोल नहीं पाए, बाद में फोन करके भैया ये ठीक नहीं लग रहा है, भगवान ने इतना मुझे दिया है कि मैं खिला सकती हूँ, हमने का जो दिया है उसका दूसरा सदुपयोग करेंगे। लेकिन इसमें कठिनाई है, क्या कठिनाई है भाई, आज तो 20 लोग आ रहे हैं, आप खिला दो, अगले दिन मैं कहूंगा कि ये मीटिंग इनके घर पे होगी, वो आदमी अब ये देखेगा कि मेरे पास खिलाने के लिए धन तो है,
मेरी पत्नी सहमत नहीं है, 20 आदमी का बनाएगी नहीं, उसके घर में झगड़ा होगा, और दूसरा आदमी उस डर के मारे इस प्रोजेक्ट को अपने घर में आमंत्रित नहीं करेगा, तो एक परंपरा नहीं बन पाएगी इसकी। दूसरी कठिनाई क्या है कि भाई 100 लोग हो गए, अब क्या करेंगे? आप ही हाथ खड़े कर दोगे, फिर मैं ही हाथ खड़ा कर दूंगा, हलवाई बिठाएंगे तो फिर वही पूरा मैस चलाओ जैसे यहाँ चल रहा, फिर वही होगा, फिर वर्कशॉप क्या चलेगा? इसलिए अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो फिजिबिलिटी स्टडी तभी हो कि इसकी परंपरा बन पाएगी कि तो अब आप देखिए 100 लोग आ रहे हैं, 100 खिचड़ी बना के लेके आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है भाई? खिचड़ी बनाने में क्या, आप नहाने जा रहे हैं, कुकर में चढ़ा के चले जाइए, लौट के आइए, कपड़ा पहनिए, कुकर ठंडा हो गया, पैक करिए, लेके चले आइए। जीरो टाइम इन्वेस्टमेंट। अब चलेगा? इन्होंने कहा नहीं, हमको अच्छा नहीं लग रहा। हमने कहा ठीक है, आपकी पीड़ा का हम निदान कर देते हैं, सिर्फ आप चाय बना सकते हैं, लेकिन चाय जो है आप अपने घर के कप में सर्व नहीं करेंगे, कप तो कागज का ही प्रयोग होगा, या फिर जो पिएंगे वो उसको धोके रखेंगे। 100 लोग आ गए और 100 लोग का कप अब आपके बाल बच्चों को धोना है, आपके मेड सर्वेंट को धोना है, अब वो उस स्नेह से अगली बार हम लोग को नहीं वेलकम कर पाएगी जिस स्नेह से पहली बार किया है, चलेगा ही नहीं। दीदी को बहुत पीड़ा हुई थी। अगली बार हम लोगों ने इलाहाबाद में रखा, तो इलाहाबाद वालों ने भी वही सब संगा किया, है ना, तो हम लोगों ने कहा कि भाई लखनऊ में हो चुका है, तो बोले अरे लखनऊ की अपनी अलग बात है, बड़ा शहर है। हम लोग गांव देहात के लोग हैं, हमारे यहाँ कोई आए और खाए नहीं है, कैसे हो सकता है? वहां हमने मना कर दिया कि नहीं चलेगा भाई, वहां पे खिचड़ी चलेगा, ज्यादातर लोग खिचड़ी बना के लेके आए, लेकिन जिनके घर में हो रहा था वो बोले कुछ तो करेंगे ही, देखिए। तो उन्होंने बिना बताए पूर्वी क्षेत्र में दही और चिवड़ा खाने का पोहा, जिसको कहते हैं ना आप लोग, पूर्वी क्षेत्र में दही के साथ चीनी मिला के खाया जाता है, तो उन्होंने कहा ये तो हम कर ही देंगे। तो वो उन्होंने बिना बताए अपने तरफ से कर दिया था, लेकिन बाद में हमने कहा ये ठीक नहीं है, या तो यही तय कर दिया जाए कि हर जगह उसको रखा जाए। ठीक इस सेंस में नहीं है कि फिर हर बार एक डिश बढ़ती जाएगी, एंड इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। तो ये परंपराएं शुरू हो सकती हैं, सहजता से चल सकता है और चीजें सज सकती हैं। इसका लाभ जानते हैं क्या हुआ? अब ये पूरा प्रोजेक्ट एकेडमिक नहीं रह गया, ये पारिवारिक हो गया। दूसरा लाभ क्या हुआ? ये लोग अभी एकेडमिकली जुड़े थे, हर शहर के लोग, अब कैसे जुड़ गए? पारिवारिक। वो कनेक्शन जो बना आज भी सस्टेन करता है। ये जो एकेडमिक कनेक्शन है ना, ये बड़ी जल्दी डिसमेंटल भी होता है, डिग्री हो गई, है ना। ये जो पारिवारिक कनेक्शन बन गया, अब सबके एक दूसरे के परिवार का हाल चाल है, ध्यान रखना है, परिवार की तरह शादी ब्याह में आना जाना है, दुख तकलीफ का ध्यान रखना है, और कोई ना कोई के घर में पारिवारिक आर्थिक तमाम तरह के संकट आते ही रहते हैं। ये लोग मिलजुल करके अपने शहर में सेटल कर लेते हैं, आर्थिक संकटों को भी, हेल्थ रिलेटेड इशूज को भी, है ना, और जो अन्य पारिवारिक चीजें हैं वो सब, है ना। हमको गोरखपुर का याद है, गोरखपुर में तो ये नहीं ही माने, बीएन पांडे जी हैं, इन्होंने बोला हमारे घर के भी लोग सब खिचड़ी खाएंगे, आने वाले भी, बड़े भगोने में खिचड़ी बनवाया इन्होंने। कई जगह लोग नहीं माने, लेकिन मुझे लगता है कि पहली बार दूसरी बार में थोड़ा धीरे धीरे उसके पीछे की जब मानसिकता को समझेंगे तो लोग उसको अगली बार आसानी से, मतलब उसके कारण ये हो गया कि अब अगली बार हमको इनसे कहने में साहस करना जुटाना पड़ता है कि भाई ये तो सब शिविर में बैठ गए, घर की महिलाएं उस कारण शिविर में नहीं बैठ पाए। खाने के नाते हमारे यहाँ संयुक्त परिवार तौर में ज्यादा ज्यादा भी नहीं होता, ऐसे ही बस तीन तीन चाचा हमारे, नहीं उनका ये ठीक है, लोग हैं लोग काम मना करूंगा। मैं इनकी पीड़ा समझता हूँ, बोले अगर खाली इनके और इनके पत्नी का मामला होता तो संभाल लेते, तो वहाँ चाची भतीजी सब हैं, तो अभी बेचारे हैंडल ना कर पाए। लेकिन ये सारी संभावनाएं हैं जिसके साथ अपने को सोचना पड़ेगा, नहीं
और मुझे लगता है कि जब तक ये मामला पारिवारिक लेवल पे नहीं आएगा तब तक इसकी सस्टेनेबिलिटी पर हमेशा वो प्रश्न बना रहेगा जो भाई साहब ने उठाया कि कुछ दिन चलेगा फिर लोग। मेरे को तो व्यक्तिगत तौर पे ये लगता है जो भी 15-16 साल का, लेकिन पारिवारिक तक पहुंचाने के लिए ये सब जो हो रहा है वो जरूरी है। आप लोग आज से कुछ साल पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे, फिर आवाज पहचानने लगे, फिर साथ मिलने लगे, अब चेहरा भी पहचानने लगे। अभी 8 दिन रहे हैं तो एक आश्वस्ति बनी है, कुछ लोगों की आश्वस्ति बनी होगी कि ये उनके शहर जाएंगे तो शायद मिलने उनके घर जाएं, या नहीं तो उनको स्टेशन बुलाएं। दोनों ही ना कर पाए तो फोन करके बताएं कि आपके स्टेशन से गुजर रहा हूं, ये मजबूरी है कि आ नहीं सकता लेकिन गुजर रहा हूं। ये शुरू हो जाएगा अपने आप इसके बाद। तो इसने भूमि तैयार कर दी, अब उसी में से कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर जिम्मेदारी लेगा और लोगों के परिवारों को भी जोड़ेगा। और अंततोगत्वा हर शहर में इस तरह के परिवारों के क्लस्टर बनेंगे और सारे शहरों के ये पारिवारिक क्लस्टर एक समय एक साथ जुड़ पाएंगे। बड़ी बड़ी समस्याओं का हल इससे निकलने वाला है। आपने अपने परिवार को और रवि को तो इस ढंग से सजा लिया, अब उसका शादी करने जाएंगे, व्यक्ति तो बाहर से लाएंगे, लड़की जो लेके आएंगे या लड़के को चुनने जाएंगे वो तो दूसरे परिवार का होगा। आज के दिन आपने 25 साल लग करके पूरा परिवार सजा दिया, आर्थिक तौर पे, संबंध के तौर पे, हर तौर पे। एक व्यक्ति भी उदंड उस पूरे परिवार को डिस्टर्ब करने के लिए पर्याप्त है। इसके सैकड़ों उदाहरण आप देख पाते हैं। ये जो क्लस्टर्स हर शहर में जनरेट बन रहे हैं धीरे धीरे, पूरे देश का जोड़ेंगे आज के दिन तो 500 से अधिक परिवार हो गए होंगे, 5,000 भी हो सकते हैं, जिसमें बच्चे सब इस ढंग से लगे हैं। ये जो बड़ी चिंता आपकी है कि अगली पीढ़ी के लिए कैसे उचित चुनाव होगा, क्या होगा, ये सबके समाधान स्वतः ही निकलते चले जाएंगे। हमने सब देखे कि कोई व्यक्ति यहाँ से दिल्ली गया, बीमार है, एडमिट है, उसको सहयोग चाहिए तो अब उसको सहयोग के लिए घर से जितने जा रहे हैं जा रहे हैं, दिल्ली में ही 8-10 लोग उपलब्ध हैं जिसको बोल सकता है खून की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, आप आ जाओ, नौकरी से छुट्टी लेके आ जाओ, और लोग जाते हैं, कर रहे हैं इसको। कोई आर्थिक संकट में पहुंच गया है ना, लोग खुद ही उसको जो है जोड़ जाड़ करके उसको उससे बाहर निकालने के लिए लोगों ने उपाय कर दिया, बता भी नहीं चलता। कई लोग किसी तरह के व्यसन के संकट में भी फंस जाते हैं, तो जिस तरह से दोस्त ध्यान रखते हैं ना, वैसे ही ये लोग ध्यान रखते हैं। कहीं परिवार को ना पता चले लेकिन इनको पता लग गया तो गार्जियन की तरह ध्यान रखते हैं, है ना, और धीरे धीरे उससे बाहर निकाल लाते हैं। ये सारा कुछ संभावनाएं निकलने वाली हैं अगर हम इसको बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक जोड़ ले गए, परिवार स्तर तक। तो जिस तरह की दुनिया को देखने का हम सपना सजा रहे हैं, वैसी दुनिया के तरफ बढ़ते हुए हम कम से कम आने वाली पीढ़ियों को अवसर दे के जाएंगे और एक बेहतर अवसर बना के जाएंगे। कम से कम हमको जैसी दुनिया मिली थी, हम आखिरी के 5-10 सालों में इस शिकायत के साथ नहीं मरेंगे कि हमने उसको और बिगड़ने दिया। हम ये कह पाएंगे कि हमारी पिछली पीढ़ियों ने हमारे परिवारों को आर्थिक संकट के दौर से गुजारा। हम में से ज़्यादातर परिवार ऐसे हैं कि अगले 20 साल भी वो काम ना करे तो भूखे नहीं मरेंगे, अगर ठीक से खर्च करें। ये उनके और उनके पिछले पीढ़ी की गई मेहनत है। अब इस पीढ़ी ने जो मेहनत किया है ना, उससे हम ये भी कह पाएंगे कि हमने संबंध भी बेहतर सजाए, व्यवस्थाएं भी बेहतर सजाए, और एक भूमिका मतलब तैयार किया, एक भूमिका तैयार की, एक पूरा वातावरण तैयार किया कि ये जो दुनिया है जैसा हम देखना चाह रहे हैं, जैसी हमारी सहज स्वीकृति है, वैसा सज पाए। और एक दो पीढ़ी बाद जब ये कार्यशालाओं की ज़रूरत हो, एक तो हो ही ना, और हो तो लोग अब ये प्रश्न ना करें कि भाई लोग तो ऐसा कर नहीं रहे हैं, ये सब सुन के हम करेंगे क्या, जो प्रश्न हमारे थे। तो एक यात्रा है, एक बड़ी यात्रा है, चरणबद्ध ढंग से हम सब चल रहे हैं, एक जगह पहुँचे हैं, है ना, ये पूरी धरती एक बेहतर जगह हो सकती है। और उसके लिए हमको घर बार छोड़ने की, बड़े बड़े त्याग करने की बहुत ज़रूरत नहीं, जितना हमारे पास समय उपलब्ध है उसका सदुपयोग करने की ज़रूरत है ना। एक व्यवस्थित तरीके से जीते हैं तो बहुत सारा समय उपलब्ध होता है, उसमें स्किल डेवलप करके इस काम को करने की ज़रूरत है। सहजता से अपने को, घर परिवार को संभालते हुए इस पूरी व्यवस्था को सजाने का काम हम लोग कर पाएंगे, है ना, कर पा ही रहे हैं, और हम सब लोग उसके माध्यम बन पाएंगे।
एक बड़ी यात्रा है, बड़ी संभावनाएं हम सबके बीच में छुपी हुई हैं, वो सब उभरें, है ना, साकार हों और फूल की तरह सजें आपके एक एक लोगों के इर्द गिर्द। जब मैं देखता हूँ गौरव जी को लखनऊ में देखता हूँ, इनके इर्द गिर्द पचासों लोग सज रहे हैं, है ना, उपासना दीदी को देखता हूँ उनके इर्द गिर्द सज रहे हैं इतने लोग, है ना, धीरे धीरे देखता हूँ वंचना दीदी को, ऐसे कई सारे साथी, बहुत लोगों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, इन सबकी यात्राओं को अपने सामने शुरू होते हुए और इनके इर्द गिर्द सैकड़ों लोगों को सजते हुए देख, आरपी सिंह हैं, बी एन पांडे जी हैं, चावड़ा जी हैं, गोपाल बाबू हैं, ऐसे सैकड़ों लोग हैं, है ना, तो ये सारी संभावनाएं हम सब लोगों के साथ भी व्याप्त हैं, वो बीज अंकुरित हो, है ना, पेड़ बने, पुष्पित हो, पल्लवित हो, है ना, सैकड़ों परिवार उसका राहत पाएं और हमारी ये जीवन यात्रा सार्थक हो, सफल हो, जागृति पूर्ण हो। इस शुभकामना के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। आगे का आपको बताऊंगा।